गाइस वेलकम बैक टू नाजायज मोटेल। और जैसे तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने मोटेल को अच्छा खासा अपग्रेड कर दिया था। मेरा फिफ्थ रूम भी उसके अंदर अनलॉक हो गया है। अभी वो रहने लायक नहीं है, बट पांच में से टोटल चार रूम मैंने रहने लायक बना दिए हैं। बाकी उसी के साथ साथ मैंने एक और नया धंधा खोल लिया था एडवर्टाइजमेंट का। जो भी लोग बाग आते हैं मेरी होटल पे, वो नए नए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उन एडवर्टाइजमेंट्स को प्रॉफिट होता है और उन एडवर्टाइजमेंट से अपन पैसा उठाते हैं उनके एड लगाने के लिए। तो भाई चलो आज के दिन चलते हैं और आगे अपग्रेडेशन करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, अभी मैं अपने मोटेल पे आ चुका हूँ और अपनी शॉप की रेटिंग 5 होने वाली है। बस थोड़ी सी बाकी है, उसके बाद अपनी शॉप 5 रेटेड हो जाएगी। और भाई देख रहे हो, तभी इस एड का बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। पता नहीं अब किस हिसाब से मिल रहा है, लेकिन इस एड का पैसा तो ज्यादा मिलना चाहिए। बाकी फ्यूल, अरे फ्यूल वाला बंदा कहाँ है? इसके ऊपर तो कोई नहीं लगा रखा था, इसको तो मैं कर देता हूँ। बाकी फ्यूल वाला बंदा कहाँ गया यार? अबे ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे भी एक बंदा आ रखा है, इसको चाहिए 1 बेडरूम। होल्ड ऑन कर, और एक बार मैं देख लो अपना स्टाफ कहाँ है, स्टाफ का क्या चल रहा है। ओके दोनों 300-300 रुपए हो गए। इसको पे करते हैं एक को, ठीक है, इसको पे करते हैं लॉन्डे को और इसको लगाते हैं गेस्ट स्टेशन पे, ठीक है। गेस्ट स्टेशन का काम हो गया अपना। इसके 300 रुपए भी पड़े रहने दो, इसको बाद में पे करेंगे। और ये हेलो दीदी, अच्छा रुको, होल्ड ऑन। और भाई दो कीज कैसे पड़ी हुई है यहाँ पे, रूम नंबर 1 की और रूम नंबर 4 की? खाली हो गए क्या दोनों रूम? एक सेकंड। ओके मेरे सारे रूम्स भरे हुए थे। रूम नंबर 1 मेरा खाली हो चुका है और रूम नंबर 2 जो है अभी भरा हुआ है। रूम नंबर 3 भी भरा हुआ है, आलीशान रूम है भाई। थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है, रिव्यूज आए तुम लोगों के, सालो गंदा बोलते हो तुम। हाँ ठीक है चलो। अभी जो है ये क्लॉक है, इस क्लॉक को, ये क्लॉक मेरे को हटानी पड़ेगी, क्लॉक बहुत बड़ी है भाई, इसको हटाओ यहाँ साइड में रखो अब, ठीक है। ये रूम भी खाली पड़ा है, लेकिन रूम नंबर 4 साफ कैसे है? इसकी की जब नीचे पड़ी थी तो कोई चेकआउट तो करके गया ही होगा। बाकी पेट्रोल नहीं भर रहा क्या कोई? अरे पेट्रोल साढ़े तेरी मारू, पेट्रोल भरियो ना। ओ इसको काम से हटाओ, इसको काम से हटाओ। साला पेट्रोल भी नहीं भर रहा है और फालतू के पैसे खा रहा है। मैनेजमेंट इसका 11 रुपए हो गए। 11 रुपए किस बात के लिए? तूने साले चश्मिस, रुक जाओ भाई, डिलीवरी में चलो, फ्यूल में चलो, इसको करो। वो 790 रुपए का आ सकता है। हाँ मैंने इससे पिछली बार अपग्रेड कर दिया था ना इसको, ठीक है। 500 रुपए का फ्यूल भरा देता हूँ मैं उसके अंदर, ठीक है। 499 का ऑर्डर कर दिया है। जैसे फ्यूल आता है वैसे मैं अपना फ्यूल पंप खोल दूंगा। अभी फ्यूल आने में भी तो टाइम लगेगा। फ्यूल ये तो अंदर चला गया, अभी फ्यूल आ रहा होगा, रस्ते में होगा कहीं ना कहीं। और भाई इससे पहले वो डेड बॉडी याद है तुम लोगों को? आ गया फ्यूल, आ गया फ्यूल, आ गया, कुछ देर में भर देगा ये। अभी शॉप पे एक बंदा खड़ा है, शॉप वाले बंदे को देख लेता हूँ मैं, ठीक है। और ऑफिस पे लोग बाग खड़े हैं यार, उनको 1-1 रूम चाहिए। डबल रूम किसी को चाहिए तो बताओ, इसमें कितने जने आ रहे? इसमें भी एक ही जना आ रहा है, इसमें यहाँ पे डबल रूम। ओके एक जना यहाँ से गया, गया तो गया लेकिन क्यों गया? ओके दो जने आए हुए हैं। हेलो सर आपको 1 बेडरूम चाहिए? रुक जाओ एक सेकंड, दूसरे को आने दो आगे। और ये देख लूं मैं, 1 बेडरूम एक खाली होगा ना? हाँ ये वाला 1 बेडरूम है ना। लाओ मैं झाड़ू पोंछा लगा दूं इसके अंदर थोड़ा बहुत, अभी ये रूम फ्री हो जाएगा। लाओ दो सेकंड, अभी देता हूं तुम लोगों को 1 बेडरूम। देती कचरा, अबे ये कचरा क्यों नहीं डल रहा? परमानेंट ही हो गया कचरा, बताओ कोई बात है? इस कचरे को उठाओ यहाँ पे फेंको, अभी कचरा उठा लाओ, ये कचरा दो, ये कचरा दो, इसको दो, इसको खोलो अंदर, इसको उठाओ, एंड ऑल सेट भाई। चलो इसको उठाओ, ठीक है, इसको उठाओ, इसको उठाओ। अरे बिस्तर भी उठा दिया मैंने, बिस्तर वापस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये तकिया उठाओ, इस तकिए को रखो यहाँ, इस बिस्तर को रखो यहाँ पे, और इस तकिए को वापस से रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई ये सारा सामान उठाओ और इनको धोने में डाल के आओ पहले तो। अच्छा बगल वाला रूम भी तो, एक सेकंड रुको, अरे बगल वाला रूम भी तो खाली हुआ है। ये नहीं खाली हुआ, ये नहीं खाली हुआ, इसके अंदर कुछ गंदा है क्या? एक साथ डालूंगा भाई कपड़े, वॉशिंग मशीन बड़ी वाली ले ली मैंने, ठीक है ना, समझ में आ रही तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, और कपड़े नहीं है। और डिलीवरी एट वेयर हाउस, ओके इससे पिछली बार मैंने एक डिलीवरी मंगाई थी ना, अरे तो शिट, इसमें डालो सारे कपड़े, इसको करो ऑन, ठीक है। और इस डिलीवरी में क्या क्या आया हुआ है? ओके टॉयलेट पेपर आए हैं, ये आया है, सोप आया है, और टूथपेस्ट, ओके नाइस, टूथपेस्ट आया गाइस, पेस्ट। और इसको शायद इसके अंदर रख सकते हैं, हाँ ऐसे रख सकते हैं भाई, देख रहे हो तुम, ऐसे आराम से आ जाएगा उसके अंदर। और इन सब आइटमों को अभी रुको, ये है सीलिंग, ठीक है, ये भी सीलिंग है। ओके तो ये सीलिंग कहाँ लगानी थी वैसे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, सीलिंग लगानी तो थी कहीं ना कहीं, ये तो मुझे पता है। शॉप पे, अरे शॉप पे लोग खड़े हैं, रुक जाओ, आ गया मैं, आ गया, एक सेकेंड भाई, शॉप पे जबरदस्त बिक्री हो रही है, देखो ये तो कहना पड़ेगा। शॉप पे लोग बाग जो है सामान ले रहे हैं दबा के, और फ्यूल भर गया होगा, फ्यूल वाले को भी ऑन करूं। अरे फ्यूल वाले रेटिंग गिरा जाते हैं, बाकी रेटिंग गिरने वाली कोई सीन नहीं है, क्योंकि अब रेटिंग कितनी गिर जाए मेरी 5 स्टार हो गया भाई, शॉप तो ऐसी 5 स्टार हुई है एकदम से। लाओ स्टाफ को खोल दूं जरा मैं, स्टाफ चल जा, पेट्रोल भर रही जा, चलो अब वो भरने लग गया। दीदी आपको क्या चाहिए? 1 बेडरूम चाहिए, आपको दे दूंगा, रुक जाओ वेट अ मिनट। ओ 3-3 जने आ गए हैं। अरे कलुआ, हां कलुआ, हेलो भाई, दिखी नहीं है तू, तो अंधेरे में दिखता ही नहीं होगा भाई, ऐसा ऐसा कैसा काला है तू? 1 बेडरूम वेट अ मिनट, तीसरे को आने दे। अरे अरे भाई डर लग रहा है, आगे आ रहा, डर लग रहा, बड़ा कैसे हुआ जरा देखो, मेरे को तो डर लग रहा भाई इससे। 1 बेडरूम चाहिए इसको, तू भी चल जा, चल हट लाओ। अभी मेरे को जो है सीलिंग किस पे करनी थी? इस पे नहीं, इसमें करनी होगी। ओके इसमें हो रखी है, मैंने ऑर्डर कर दिए थे, हाँ मैंने फालतू में ऑर्डर कर दिया था जहां तक मुझे याद है, हो रखी है, इसमें लगाने के काम आ जाएगा ना, इसके लिए भी तो मंगाना है सामान। चलो फ्यूल अपना भरना स्टार्ट हो चुका है इस टाइम, और ऑफिस में बस कस्टमर से, ऑफिस वालों को दे देते हैं। तू कितने
कितनी देर के लिए ले रही है पता? वन बेडरूम चाहिए तेरे को 48 आवर्स के लिए, तीनों की देख लेता हूँ, जिसको ज्यादा देर के लिए चाहिए होगा ना उसको ये बेडरूम दे दूंगा। पहले तो ये देख रहे, तो मेरे पास बेडशीट है, बेडशीट है, इसको प्लेस करो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है, इसको प्लेस करो। उसके बाद मेरे को चाहिए एक टॉयलेट पेपर, बड़ा वाला ले लूं क्या? दोनों सेम प्राइस के ना, एक इसको रख के देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। इसमें रखा, अच्छा ये पूरा वो यूज हो जाता है, ठीक है, बड़ा वाला रख दिया मैंने इसके लिए। इसके बाद मेरे को चाहिए एक टॉवल, ठीक है, टॉवल, टॉवल, ओह शिट शिट हो गई, टॉवल नहीं है, टॉयलेट पेपर तो रख दिया है। एसेसरीज में टॉयलेटरी में मेरे को एक तो ये रखना है, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद एक एसेसरीज टॉयलेटरी में रखना है मेरे को ये पेट्रोडेंट है भाई, टूथपेस्ट पेट्रोडेंट जो भी है, छोड़ो। हाँ भाई अब बता तेरे को कितनी देर के लिए चाहिए? 48, तेरे को भी 48 के लिए चाहिए, तू बता दे भाई। अरे कलुआ चाचा तुमको रखने में देर, डर और लग रहा है मेरे को तो। आ गया आ गया भैया, आ गया थोड़ा, आप बताओ। ओए क्या कर रहा है, इसको रख दें क्या? होल्ड ऑन भाई, इसको देता हूँ मैं कमरा, देखते हैं क्या करता है भाई। रिस्क पे दे रहा हूँ, अपनी रिस्क पे, समझ रहे हो? अरे चाबी फेंक, अरे गलती से सब कुछ फेंक दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे रखता हूँ इसको, डस्टबिन को उठाओ, डस्टबिन को रखो यहाँ, इसको दे देता हूँ। टेक दिस रूम, रूम इज नॉट रेडी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। कितनी देर बची तेरी? 2 मिनट बची ना। अरे इतने में तो मेरा धुल जाएगा, टावल नहीं होगी इसके पास, मैं समझ गया। और ये ड्रम भी मैंने मंगाया था, इस ड्रम को अंदर रखते हैं। अब सड़ा आन दो, अब मरने दो, अब किसी चोर को आन दो, उसकी बुद्धी लाल करूंगा। अभी टावल कहाँ है? टावल देना जरा। चलो ये तीनों चीज मैंने ले लिए, ये फिर फेंकने लगा। टावल दो, टावल दो, एक टावल होगा ना, ये टावल कहाँ गिर गया? ये टावल गिर रहा है। चलो इस टावल को लेके चलता हूँ फटाफट से। और एक टावल यहाँ, टावल साला किसने रखा यहाँ पे? मैं तो हाउस क्लीनिंग वाले भी कोई नहीं रख रखा इसीलिए, क्योंकि भाई इधर उधर फेंक देते हैं चीजों को ये लोग, शर्म आती नहीं। और शॉप पे कस्टमर खड़ा है, जल्दी चल, पहले शॉप पे चल। शॉप पे आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ, आ गया हूँ। ये लो, अरे एक न्यूज़ पड़े, 2 रुपए के लिए इतना बड़ा धंधा बंद करवाएगा मेरा है? वहाँ पे एक लौंडा खड़ा हुआ है, काला कलूटा सा, उस पे सामान ध्यान दो मेरे। ये मैं रख देता हूँ पहले तो यहाँ पे। ले भाई तू अपना कमरा ले ले, टेक दिस रूम, ला पैसा दे दे। और सर आप दोनों जा सकते हो यहाँ से, मेरे पास है नहीं। तुमने जितना कचरा फैलाया, तुमसे पैसा तो लेना चाहिए मेरे को, लेकिन दीदी नहीं है मेरे पास, सॉरी नो रूम अवेलेबल। यस लो भाई, खाली करो यार, कमरे खाली करो। तुम लोग कमरे खाली क्यों नहीं करने आ रहे? और मेरे को बाहर भी वॉल्स वगैरह के लिए मंगाने सामान, मेरे को वॉल्स वगैरह के लिए मैंने सामान नहीं मंगवाया। चले चला जाए यहाँ से, चला जा। हाँ ब्रेक ब्रेक दिया तभी बना कर दिया देर को। हाँ अभी गाइज इसके अंदर जो है मेरे को कुछ सामान और मंगाने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें सामान वमान है नहीं ना। तो मैंने यहाँ रैक लगा रखी, डबल रूम बना रखा है भाई, वैसे डबल रूम बना रखा है। बस कस्टमर्स हैं क्या? और कस्टमर्स नहीं है यहाँ पे, शॉप पे कस्टमर्स हैं यार। अब शॉप के कस्टमर्स भी निपटाने पड़ेंगे, यहाँ भी मैं लगा देता हूँ किसी को तो, जो काम करता रहे बढ़िया एकदम। लेकिन यार वो 300 रुपए लेके ना एक साथ बैंड बजा देते हैं, बहुत रुपए ले लेते हैं वो। 300 रुपए नहीं दो तो साला काम और नहीं करती, नहीं काम करते रहे उनको पैसा दे देंगे बाद में, लेकिन नहीं पहले। अच्छा वो ले रही है, मेरे को डर लग गया भाई, ऐसे मत करा करो। वेंडिंग मशीन में कुछ डाला क्या इसने? अरे यार वेंडिंग मशीन में कुछ नहीं भर के गई, गंदी औरत। कहाँ है वो, है कहाँ वो? ओ यहाँ पे गर्म गर्मी ले रही है, गर्मी ले रही है भाई, गर्मी ले रही है। ठीक है भाई, इसके अंदर कितना पैसा है? 500 रुपए, लेट्स गो। अभी पेट्रोल भी खूब सारा पड़ा है, अरे हटने। और इनके अंदर भी पैसा है, ओहो भाई साहब किससे बात कर रहे हो? चलो भाई इसके अंदर से अच्छा खासा पैसा आ गया। अभी मेरे पास टोटल 1000 रुपीज है, देखते भाई क्या करा जाए इन 1000 रुपीज का। जब तक भाई तू निकल, तेरा काम हो गया है? कुछ रखा हुआ तो नहीं ना इसके अंदर? ओके चल तू जा सकता है, बाय बाय, ठीक है, दोबारा बुलाऊंगा तेरे को। जब तक अभी रात हो रखी है तो क्यों ना सो जाया जाए? नहीं सोने की जगह यार पैसा है मेरे पास खूब सारा, कुछ काम करा जाए। और जो इतना सारा सामान मैंने मंगाया है, बेड वगैरह नहीं मंगाया ना फिफ्थ रूम के लिए, बेड वगैरह भी तो मंगाने पड़ेंगे मेरे को। और सीलिंग लाइट्स वगैरह मंगानी पड़ेगी, सीलिंग लाइट्स भी नहीं मंगाई है मैंने। चलो इसके लिए ऐड करते हैं सामान वगैरह। वैसे सीलिंग लाइट्स पड़ी है, वो पुरानी वाली लगाने क्या थोड़ी बहुत? ये देखो ये सीलिंग लैंप्स पड़ी है मेरे पास, और भाई सिर्फ एक ही थी, ये क्या चक्कर है? बस चलो लाइट तो हो जाएगी इससे, लेकिन है। लेकिन भाई अब मैंने सोचा है इस वाले रूम को ना ऐसा आलिशान रूम बनाऊं, ऐसा आलिशान रूम बनाऊं कि देखते रहे लोग बाग भाई, देखते रह जाए। इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे मेरे पे, ये रूम तो है, इसकी टाइले बदलनी है मेरे को, और टाइले वो वेस्ट जाएगी मेरे को जहां तक लगता है। बाकी हाँ एक और जगह से पैसा आ सकता है, रुको देखो, मैंने एड्स लगवाए थे ठीक है, इनसे भी मेरे को 500 रुपए मिल गए शायद। यहाँ से गेट पेड, अच्छा गेट पेड यहाँ से करो भाई, इनसे भी 500 रुपए आ गए। और एक और एड ले सकता हूँ मैं कोई सा तो। ओके मोटेल की पॉपुलरिटी बढ़ गई है तो इसलिए ज्यादा ज्यादा रुपए दे रहे हैं लोग। और ये कितने दे रहे हैं? 27-20 रुपए। ए भगो बे साड़ो, लाओ ये 110-110 दे रहे हैं। एक एड ये ले लेता हूँ ठीक है। और ये अच्छे 63 दे रहा है ना, रुक जाओ सबसे कम कौन सा दे रहा है इनमें से, ये दे रहा है रिमूव एड प्लेस एड, 110 रुपए दे रहा है, इसको ले लेता हूँ मैं ठीक है। ये 55 दे रहा है, इसको हटाओ, रिमूव एड प्लेस एड, ये देगा मेरे को 90 रुपए। चलो इसको एड कर दिया, 40 रुपए दे रहा है ये। अभी इतने बहुत है भाई, इन तीनों एड्स को लगा के आते हैं। वो वाले एड हट चुके हैं अपने पुराने वाले, कोका कोला एड नहीं हटाया, एक एड यहाँ का हटाया है देखो, एक जो एड है यहाँ से हट चुका है और एक अपने अंदर से हट चुका है। लाओ तीनों चारों एड दे दो ये वाले मेरे को, 1 2 3 एड लिए ना मैंने, इन तीनों एडो को लगाना पड़ेगा। एक एड अगर मैं यहाँ लगा दूं तो कैसा रहेगा? ओ लग रहा भाई अच्छा, वॉल्स पे भी लगा सकते हैं, और इस पे लगेगा नहीं तो इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको दो एक बार ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ। ये एड है किसका? कोनी कोनी लिखा हुआ भाई, मेरे को क्या करना भाई? अगर एड ऐसे लग जा रहे हैं तो मैं इनके यहाँ पे लगा दूं तो कैसा रहेगा? लग रहा है यार ये लग रहा है, लेकिन गंदा लगेगा है। अभी के लिए पैसा कमाने के लिए सही है, लेकिन यार ऐसा काम मुझे करना नहीं है। रुक जाओ, इन दोनों पोस्टर में से यहाँ कौन सा लगाया जाए? यू डोंट नीड अ बिग वन टू
भी है। अबे ये भाई ये कैसा है? ये इसको उठाते हैं, ये थोड़ा असली लेड़ है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। अरे ये वाला नहीं, इसको रखो नीचे, ठीक है। इसको लगाओ एड को यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छा सा एड है, मोटिवेशन वाला एड है, ठीक है। इस ये डबल मोटिवेशन वाला एड है, रुक जाओ, इसको इधर लगा के आएंगे, इसको इधर लगा के आएंगे, एकदम बाहर की साइड लाओ, इधर लग जाएगा क्या? वो लग रहा है, वो लग रहा है, सही है भाई। चलो फटाफट से अब शॉप के कस्टमर्स निपटा लेते हैं। अब दिन वे दिन अपने पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि मैंने इतने सारे एड लगा दिए ना, इतने सारे, और वो भी महंगे महंगे, सस्ते एड नहीं है भाई वो। अभी लातू बता, इन सब की बिलिंग हो गई है। और भाई मुझे उस दूसरी बंदी का भी पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि यार ये भी अभी अपने वेयर हाउस से इसके अंदर शॉप के अंदर आइटम जमा रही थी, तो वो उससे भी बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि लोग बाग है ना, बहुत बहुत वो ले रहे हैं सामान। वन बेडरूम नहीं है सर, 96 आवर के लिए ले रहे हो, वैसे सही ले रहे हो। हाँ तो अभी मैं कर रहा था, हाँ स्टाफ में जाके इसको करो पेमेंट पे, और इसको लगाओ वेयर हाउस पे, ठीक है। वेयर हाउस सामान उठा के लगाई रखेगी ना शॉप पे कि नहीं रखेगी? और ओके जा तो रही है, अभी करेगी क्या देखते हैं। इसने उठा लिया है सामान, ठीक है, ये उसी में जाएगी, सही है सही है। हाँ ये शॉप में जा रही है, शॉप में जाके सामान रखना चालू कर देगी, बस यहाँ के कस्टमर्स मुझे सामान ले, सामान वगैरह ये जमा देगी। अब मैं अपना होटल बनाने में ध्यान देता हूँ भाई। इधर के जो लास्ट के दो कमरे खाली पड़े, और बाहर का पेंट, चलो सबसे पहले तो मैं बाहर की टाइलें मंगाने वाला हूँ, ठीक है। टाइलें देखते हैं डिलीवरी में, चलो। और कार्ट में कुछ ऐड तो नहीं कर रखा है अभी तक, ठीक है। इक्विपमेंट्स में चलते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं, बिल्ड पीसेस में। वॉल्स की देखनी है मेरे को, ठीक है। वॉल्स मैं किस कलर की करूं बाहर से? भाई देखो, एक तो मैं ईट वाला कलर कर सकता हूं, ये अच्छा लग रहा है। इनमें कौन सा ईट अच्छा लग रहा है तुम लोगों ने बताई नहीं ना, रुक जाओ। बाहर ये डार्क में कर दूं तो कैसा रहेगा होटल अपना? ये वाली ईट जो लग रही है ना, ये वाली ईट बढ़िया लग रही है भाई मेरे को तो। बाकी और कोई ईट इतनी मेरे को खास नहीं लग रही है, डार्क ही रखते हैं, थोड़ा सा मस्त लगेगा दूर से, लेकिन रात में ज्यादा अंधेरी नहीं हो जाएगी? गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज करता हूँ, ठीक है, बाद में काम आ जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फेंकेंगी तो फेंक जाएंगी। मैं दो मंगाने वाला हूँ, एक ये, ठीक है, और एक मंगाने वाला हूँ ये वाली, ये बस टेस्टिंग के लिए होंगी। दोनों में से जो अच्छा लगेगा ना वो मैं चढ़ा दूंगा, पूरे के लिए मंगा दूंगा एक साथ। बाकी एक ये व्हाइट भी मंगा सकते हैं, ठीक है, व्हाइट मंगाए, तीन मंगा रहा हूँ भाई, 50 रुपए का खर्चा करके, देख रहे हो, फालतू चीजें मंगा रहा हूँ 50 रुपए का खर्चा करके। लाओ अब तीसरे बेडरूम के लिए मैं बेड मंगा लूँ, थोड़ा सा बेड मंगाऊंगा, पूरा बेड मंगाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। और इसके लिए मैं मंगाता हूँ ये थोड़ा सा बारबी टाइप, सजाएंगे बारबी टाइप पे, तो लड़की को बुलाना पड़ेगा, बारबी टाइप नहीं सजा रहे, अपन लॉन्डो वाली सजा लेते हैं, एक सेकंड। ये वाला रूम लेते हैं, ठीक है। ये वाला बेड भाई सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, ये वाला बेड बढ़िया है। बेड शीट में मैंने जो बेड शीट मंगाई थी इससे पहले, ये ब्राउन वाली ये मंगाई थी ना, हाँ ये दो ब्राउन बेड शीट, ठीक है। ब्लैंकेट्स के अंदर नहीं, ब्लैंकेट्स ही मंगाए थे, बेड शीट व्हाइट मंगाई थी, ठीक है। इस बार बेड शीट ये वाली मंगाने वाला हूँ, क्योंकि बेड जो कलर है उसका ऐसा सही कलर है बेड शीट का, ठीक है। ब्लैंकेट ये वाली मंगा ली है, पिलो मैं मंगाने वाला हूँ, देखो पिलो मंगाते हैं अपन ये ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का पिलो, नहीं ब्लैक कलर का नहीं, एक काम करते हैं, ये दो पिलो ऐड करते हैं और ये दो पिलो ऐड करते हैं, इसके बाद ये दो पिलो ऐड करते हैं। पिलो वहां पे ज्यादा लगाने वाला हूँ, जैसे होते हैं ना एकदम मस्त होटल में भरे भरे से पिलो होते हैं मोटे मोटे, वो लगाएंगे। और डोर में ये वाला लगाने वाला हूँ, ये मस्त लग रहा है, और अंदर की साइड एक व्हाइट डोर लगेगा ये। सीलिंग लैंप में आएंगी ये वाली लैंप, कैसी लग रही है? नहीं यार मुझे तो ये लैंप ही अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो लैंप ही एक अच्छा लगता है। ओके ये लैंप नहीं ऐड हुई कि ये दोनों, ये अच्छी लग रही है, एक ये ऐड करो और एक दो तीन चार ये ऐड करो, नहीं 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 इस बार ये उठाओ, ठीक है, ये ऐड करो भाई दो, चलो बस दो बहुत है। और बाथ टब में चलते हैं, और बाथ टब में इस बार है ना बड़ा रखने वाला हूं थोड़ा, क्योंकि ना भाई उसमें जो बाथ टब मैंने ब्लैक वाला मंगाया था ना, जो मैंने लग्जरी रूम बनाया मेरे हिसाब से भाई, उसके अंदर ही बाथ टब मेरे को बहुत छोटा लगा, तो इसके अंदर दो ही बाथ टब है जो पूरा कवर करते हैं, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये सारे बाथ टब तो मुझे इतने खास लग भी नहीं रहे, तो भाई इसके अंदर ये वाला बाथ टब रखने वाला हूं मैं एक, ठीक है। और जो उससे पहले मैंने बनाया था लग्जरी रूम, उसके अंदर ये वाला चेंज करेंगे, तो ये वाला बाथ टब भी मैं ऐड कर लेता हूं। सिंक जो है मैं डबल वाली रखने वाला हूं एक के अंदर, और ये शायद मैंने रखी थी उसके अंदर, नहीं ये लगवाई है ना सिंक, हाँ ये सिंक भी अच्छी नहीं है भाई, ये वाली सिंक ऐड कर लेता हूं, ये वाली दोनों में लगाएंगे। बाकी बचा टॉवल, टॉवल कुछ नए कलर के रखे जाए भाई, ब्लैक कलर के रखूं गंदे भी नहीं लगेंगे जल्दी से, या फिर ये वाले रख लेते हैं दो, एक दो चार टॉवल ऐड कर लिए दोनों रूम में रखने के लिए। टॉयलेट सीट मेरे को चाहिए इसमें, हर और कुछ लाओ ना भाई, ये गंदी टॉयलेट सीट रखती है। बाकी सिंक वगैरह व्हाइट है तो ये टॉयलेट भी व्हाइट ही ऐड कर लेते हैं, वरना तो ये वाली ब्लैक वाली लगा देता मैं। बाकी टॉयलेट पेपर मैंने ऐड है ही, हीटर्स के अंदर चलते हैं, और हीटर मेरे को गंदा लगा था ये वाला, तो नॉर्मली व्हाइट वाला हीटर ऐड कर लेते हैं, ये भी हीटर गंदे हैं, ग्रे हीटर अच्छा लग रहा है, एक ही ऐड कर लेता हूं, बाकी तो ठीक। कर्टेन्स देख लेते हैं, कर्टेन्स ब्लैक वाले सही लग रहे थे, ये वाले जो मंगाए थे ना ये बहुत सही लगे थे। सीट्स में और अरे एक सेकंड में यही ऐड करता रह जाऊंगा। शॉप पे चार जने खड़े हैं और दीदी खड़ी है यहाँ पे, वन बेडरूम नहीं है, सॉरी नो रूम अवेलेबल, और मेरी सारी एनर्जी भी खत्म हो गई, कर लो बात, कर लो मेरी शॉप की रेटिंग्स करा देंगे, वो पूरी हो गई भाई, शॉप की रेटिंग्स तो पूरी हो गई, पेट्रोल भर भर की पूरी हो जाती मेरी शॉप की रेटिंग। लाओ भाई लाओ, जल्दी जल्दी सबकी बिलिंग कर दूं, और ये लोग बहुत बहुत सामान खरीद रहे हैं, ये देखो, अरे इसने कम खरीदा है, अभी वाले ने ज्यादा खरीदा था उसका देख लेना। लो अरे लो, थैंक यू, बेइज्जती करा के छोड़ोगे तुम लोग, वो औरत काम नहीं कर रही क्या यहाँ पे, कहाँ ये दोनों, कहाँ ये तो लौंडा तो अंदर आ गया, ठीक है, औरत कहाँ, औरत पर भैंस की आंख, की औरत काम नहीं कर रही क्या, क्या कुर्सी नजरों से क्या देख रही है, क्या कर रही है, फंस गई थी, अरे वो औरत फंस गई थी, बताओ कोई बात है, ये फंसने की जगह, इन सबको रखो,
भाई इसके अंदर फेंक के जमा सकते हैं। देखो ऐसे, अरे ये अब नहीं जम रहा है, पहले जम गया था सही। ओ जम गया, देख लो जम जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसको भी रखो, इसको यहाँ रख दो, अपने आप जम जाता है। इसको भी यहाँ रख दो, इसको भी यहाँ रख दो, ठीक है, इसको भी यहाँ रख दो, इसको भी यहाँ रख दो। ये नहीं जमेगा, ये नहीं जमेगा। अरे बड़ा सारा है ये, सारा चोर के लिए। चोर रख, चोर भी यही आएगा ना, चोर देख लेगा भाई मेरे को जलाने की साजिश है। चलो ये सारी चीज मैंने यहाँ रख दी है, ये नहीं जाएगी क्या? ये भी रख देना अंदर, ये नहीं जाएगी। चलो इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेट है। एक इसके अंदर टावल और आई होगी, इसको निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं इसके अंदर। चलो भाई अभी चलते हैं, कस्टमर खड़ा हुआ है शॉप पे, एक उसको छोड़ो, ऑफिस वाले को देखते हैं, ठीक है। ऑफिस में कौन खड़ा हुआ है, क्या चाहिए सर आपको? वन बेडरूम नहीं है ना भाई, डबल बेडरूम चाहिए तो ले लो, सिंगल बेडरूम मैं दूंगा नहीं, सीधी बात ये। चलो हाँ, अभी इस रूम के लिए मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा था ना, टाइलें वगैरह ऐड करनी है मेरे को। और हाँ भाई, तुम लोगों ने मेरे को ये बताया था कि कमेंट्स में ये मेरे को ग्रीन ग्रीन तो वहां से दिख रहा था, तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने शायद वीडियो में कट वट हो गया हो तो पता नहीं, मैंने यहाँ खड़े होकर बोला था कि यार उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन क्या है, और तुम लोगों ने बोला है कि उसके ऊपर 1000 रुपए रखे हैं। रुक जाओ भाई, वो कैसे देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ मैं गया था एक दिन, तो गया था, ये कबर्ड उठाई थी मैंने, ऊपर जाके आया हूँ पता है, मैं ऊपर जाके आया हूँ एक दिन, लेकिन हाँ मैं वहां तक नहीं गया था, मैं बस एसी का वो रखने गया था। इसको यहाँ रखो, इसके ऊपर चढ़ो, इसके ऊपर चढ़ो, अरे चढ़ ही गया था भाई, चढ़ ही, हटना भाई, कौन सा कुत्ता भौंकने लग रहा है। चलो ऊपर चढ़ जा, नहीं नहीं चढ़ पा रहा, रुक जा, ये सीढ़ी दे, सीढ़ी को यहाँ रख, अरे बहुत जुगाड़ है मेरे पास, ला सीढ़ी दे वापस, यहाँ भी तो चढ़ना पड़ेगा मेरे को। अटैची रखी है, अटैची रखी, पैसे होंगे, पैसे होंगे, अरे नहीं चढ़ पा रहा, रुक जाओ, ये कबट उठा के ला दो, यहाँ कबट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो सारी जुगाड़ है मेरे पास, रखो यहाँ पे, इसके बाद इस पे चढ़ो, इस पे चढ़ो, और भाई पैसे, रुक जाओ इसको लूं कैसे, 1000 रुपए, लेट्स गो, मैंने ले लिए, अब वापस उधर जाते नीचे, ये सब लेके चलो नीचे, ले लो नीचे, ले लो नीचे, ले लो जल्दी, चलो भाई मजे आ गए, पैसे आ गए अपने पास 1000 रुपए। और अब मस्त अपना तीसरा रूम है ना, एकदम बढ़िया सेट कर सकते हैं। चलो और मेरे को सोना भी है कुछ देर यार, शॉप पे एक जना खड़ा है, पहले उसको निपटाते हैं फिर सोते हैं, फिर कल के दिन ऐड करेंगे बाकी आइटम कार्ट में, या नहीं पहले कार्ट में ऐड करेंगे उसके बाद सोएंगे, क्योंकि उतनी देर में वो सामान आ भी जाएगा। लाओ भाई लाओ, जल्दी जल्दी बिलिंग करो तुम लोगों की, ला। और अपने रूम्स की प्राइस भी बढ़ाने वाला हूं मैं, मेरे को बस एक बार मौका मिलते ही मैं रूम्स की प्राइस बढ़ाऊंगा, बहुत भयंकर। चलो मैंने कहा था ऐड कर दिया था, रूम लैंप ऐड करी थी क्या? नहीं रूम लैंप ऐड नहीं करी थी, मैं यहीं पे था, सीलिंग लैंप ऐड कर रहा था, ठीक है सीलिंग लैंप ऐड कर दिए, बाथ टब मैंने ऐड कर दिए, उसके बाद सिंक मैंने ऐड कर दिए, टॉवल मैंने ऐड कर दिए, बाकी लैंप्स मुझे चाहिए कुछ, तो रूम लैंप्स कुछ बढ़िया से हैं क्या? ये वाले कैसे भाई, इसमें बोनस 6 का है, देख रहे हो तुम, सबसे ज्यादा बोनस है इसके अंदर और एक इसमें ज्यादा है। इन रूम लैंप्स की जगह ये 2 ऐड करते हैं, देखते हैं कैसा है। बाकी टेबल्स हैं इसके अंदर कुछ, टेबल की टेबल तो मुझे रखनी नहीं है, टेबल मैं ले लूंगा बगल वाले से, और एक ये ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब डेस्क में चलो, डेस्क ये वाली है ना, सही है। इसके बाद कारपेट देख लेता हूं मैं, कारपेट ये वाली बढ़िया लग रही है, कारपेट ऐड करो। होल्डर्स देख लेता हूं, होल्डर गोल्ड वाला ऐड करते हैं इसमें, ठीक है पैसा भी ज्यादा है, कौन आ रहा है, कोई तो आया, रुक जाओ एक इसको ऐड करो, ठीक है 2 ऐड कर लो, ये एक बुक शेल्फ ऐड करो, और एक ये वाली नॉर्मल क्लॉक, ठीक है एक ये ऐड कर लेता हूं, एक ऐड कर लेता हूं। भाई 3200 का आइटम है और ये ट्रक में नहीं आ रहा है यार, ये तो गलत है ना भाई, अब मैं माइनस थोड़ी करूंगा इसमें से सामान, शिट कर दी इन लोगों ने। लो भाई अब बताओ कौन है, क्या है दीदी क्या चाहिए, अरे चेकआउट करना है आपको, थैंक यू, जाओ ऐसे चलती बात। अब ये अरे वो मटका डुमटका टुम, साफ करो पहले, साफ करो, बेइज्जती कर देंगे। चलो अभी मेरी शॉप पे भी लोग बाग खड़े हैं, 1 बेडरूम चाहिए नहीं है, हाँ 1 बेडरूम मेरा खाली नहीं है, ये डबल ओके, हाँ ये डबल बेडरूम ही तो था। कितना गंद, कितनी गंद भाई, कितनी गंद, रोज ही साफ सफाई करवा लिया करो तुम मेरे से, मना थोड़ी करी तुम लोगों को। चलो जितनी भी गंदी थोड़ी बहुत तो साफ कर दी है, अभी चलता हूँ मैं फटाफट से अपनी शॉप पे और यहाँ का देख के आता हूँ क्या हाल चल रहा है। भाई आधे लोग तो लौट के चले गए होंगे, बाकी अभी मेरी 5 स्टार कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें भी स्टार आते हैं क्या, इसके अंदर कोई स्टाफ नहीं आ रहा गैस स्टेशन के अंदर, पता नहीं। लाओ भाई तुम लोगों ने भीड़ बहुत जमा रखी यार, कितना सामान लेना चाह रहे हो, लो भाई सारे लोग सामान लो फटाफट फटाफट। और ये लास्ट बंदा बचा भाई कलुआ, अरे ये तो वही कलुआ है, ओए तू तो इसको देखते हैं भाई, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो रहता था, इसको तो मैंने रूम दे रखा है, तो रूम दे रखा है मैंने, ये साफ सफाई करो भाई, तो बात करने जा रहा है अभी, कल बात भी करेगा फिर जाएगा क्या? अच्छा क्या कमरे पे रहते हैं अपने यार, यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं इनकी मर्जी, ये वैसे बात करने जा रहा है, हाँ ये मेरा कमरे वाला, ये पक्की बात है, यहाँ से बात करके कमरे पे जाएगा, बात देखिए पता नहीं भाई, छोड़ो मेरे को क्या करना, मैं थोड़ी इतना ध्यान देता हूँ, मेरे को मतलब नहीं होती चीजों से, तू क्या कर रहा है साले, तू पैसा पैसा दे अभी मंगा रहा हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हेडेक नहीं है अपने यहाँ पे ज्यादा, उठाओ इनको उठाओ, सर्विसिंग से उठाओ, फ्यूल खत्म हो गया, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, तू रेस्टिंग पे चला जा, ठीक है, और तू क्या कर रही है, तू वेयर हाउस में कर क्या रही है, तू भी रेस्टिंग पे जा, क्योंकि अब मैं भी जा रहा हूँ रेस्टिंग, गुड नाइट। फ्यूल बढ़ाने के लिए लोग बाग पड़े हुए हैं, लेकिन फ्यूल होगा ही नहीं तो कहां से भरा दूं, 799 का फ्यूल भरा रहा हूं, 2000 रुपए बच गए मेरे पास, अभी मैं जाता हूं, सो गुड नाइट गाइस, ठीक है, देखी जाएगी शॉप बॉप के कस्टमरों को
को बाद में देखेंगे, सारे पागल लोग हैं। वैसे मैं खोल के आ जाता हूँ ना, अभी तक गैस स्टेशन पे पेट्रोल तो आ ही गया होगा, इसको मैंने रख दिया वापस और इसको पे कर देता हूँ। ठीक है चलो होम पे चलते हैं। और पेट्रोल आया क्यों नहीं अभी तक, क्या चक्कर है? अरे नहीं है, वन बेडरूम भाई। पेट्रोल अच्छा आ गया है, अरे भरना तो स्टार्ट कर, लेके खड़ा हुआ ये। ओके लगा दी, पेट्रोल आ गया भाई, पेट्रोल आ गया, लेट्स गो। भाई ने अपना पेट्रोल भरने का काम स्टार्ट कर दिया और अपनी टंकी बड़ी हो चुकी है, देख रहे हो टंकी क्या मस्त लग रही है। लेकिन यार इस बार जंग आ गई, पहले वाली टंकी ज्यादा क्लियर थी। तो अपने को क्या करना, अपने को तो पेट्रोल भराने का है, पेट्रोल भरी रहे हैं लोग। आओ भाई तुम लोगों की मैं बिलिंग कर दूं थोड़ी बहुत, और तुम लोगों के लिए भी सामान मंगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी सब खत्म होता जा रहा होगा, इसको अंदर को लेके चलो, इसको वेयर हाउस में रख के आऊं मैं जरा, इसको वेयर हाउस में डालो। अरे चल जाना यार, ऐसे ही तो करते थे। और जो भी बिना धुला हुआ सामान है उसको डालो इसके अंदर, इसको करो स्टार्ट, बाकी सब ठीक है यार। इसके लिए कोई आ नहीं रहा इस बार, अब मेरे को जलाना है ना, मैंने पूरे सारे सामान रख रखे हैं तो आ नहीं रहा है इसके अंदर में कैसे लोग। चलो भाई चलो फटाफट से चलते हैं। और अपने शॉप का आइटम आया कि नहीं? अच्छा ऐड कर रहे थे ना अभी, तो ऐड कर रहे थे और ऐड कर लिया था, उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे को हगापंती कर दी, बट थोड़ा बहुत पैसा तो यहाँ से आ जाएगा। अब चलते हैं डिलीवरी में और कार्ट में चलते हैं। ये क्या अठाऊं भाई इसके अंदर से, डबल बेड अगर एक अठा दूं तो फिर आ जाएगा क्या सामान? नहीं, एक भाई याद और रखना पड़ेगा, एक डबल बेड उठाया और एक मैंने बाथ टब उठाया और अब आ रहा है सामान। रुक जाओ इक्विपमेंट्स में चलो, बेड अगर मैं वापस ऐड कर दूं तो नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मंगाऊं मैं? बाथ टब इस, अरे अब ये मंगा नहीं पड़ेगा, रुक जाओ बिग वाले में आएगा नहीं, ट्रक की मंगा पड़ेगा। चल भाई ऑर्डर कर दिया है, यू डोंट हैव इनफ मनी, 3000 रुपए चाहिए, ओह शिट हो गई है तो हक दिया मैंने इतनी जोर से। साफ सफाई करो भाई, पैसा लाना पड़ेगा, बहुत खराब पैसों की देख रहे हो कितनी कमी आ गई। जो तो 1000 रुपए मेरे दादाजी ने रखे गए थे छत पे, पता नहीं वो मिल गए मेरे को, उसके बाद भी पैसों की कमी आ गई। चलो अभी फटाफट लाई पैसा, दी पैसा दे दे तू, 15 रुपए कम, पागल सा आएगा थोड़ा, देख 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 मुंह देख संडे सी सकल का। छोड़ो भाई मेरे को तो फटाफट से जाने का यहाँ पे, और दो जने डबल बेडरूम, डबल बेडरूम, वेट अ मिनट भाई, डबल बेडरूम जा रहा है, डबल बेडरूम जाने वाला, डबल बेडरूम जाने वाला, कौन सा दूं? ये यही है, एक यही है शायद, ये तो खाली हुआ नहीं है ना, और ये मैंने किया नहीं है साफ सफाई। यू आर रॉब्ड वेयर हाउस, पकड़ो पकड़ो हरामखोर को, पकड़ो 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 पकड़ो, यहाँ पे पहुंचा होगा, यहीं जाता है, यहीं की साइड जाता है। बेटे तू तो रास्ते में मिल गया, कैसे उठाएगा सामान बताइए? अरे कदुए की औलाद, रुकना रुकना रुकना, टेलीफोन से फोन भी तो कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा, रुक जा भाई, पुलिस टाइम के टाइम पे तो आती नहीं, हेडशॉट मारूंगा साड़े को, हेडशॉट मारूंगा तू इधर, पहले तो ड्रम लेके आऊं, ड्रम लेके आऊं वरना पुलिस आएगी। पुलिस 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 पुलिस, इसको उठा, वहीं पे जला के राख कर दूंगा साड़े को, वहीं जला के राख। अरे फेंकना नहीं है, इसको रखना है, इसको इसको दे, इसको इधर दे, डाल भैया इसके अंदर, अब इसमें डाल दूं ये, वो खत्म ही हो गया, वो जलने लग गया, जलने लग गया गाइस। अरे इसको रखो पहले तो, अरे इसको नहीं रखना है, ये दे दो मेरे को, रखो इधर, इसके ऊपर खड़े होके देखो, अरे हाइट फिर भी छोटी रह गई, क्या बताओ, मम्मी कहती थी कॉम्प्लेन पीले मैं पीता नहीं, कहाँ चलो वो जलने लगा, ये पूरा जल जाएगा क्या, फिर क्या करना है इसका? कोई आ मत जाना भाई, डर लग रहा है मेरे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जल गया, अरे ये तो खून खून हो गया, लेकिन ये तो धीरे धीरे क्यों जल रहा है, एसिड से तो एकदम से जल जाते हैं ना, ये धीरे धीरे ऐसे पूरा ड्रम कैसे भर रहा है? कोई मुंडी जलेगी, मुंडी जलेगी, रुक जाओ खोपड़ी देखेंगे इसकी खोपड़ी, जल गया ये तो पूरा, जल गया जल गया, देखो पूरा जल गया बस। अब इसका करूँ क्या, डिकम्पोज बैरल है, लेकिन अब इसका करूँ क्या, खोपड़ी तो रह गई, खोपड़ी तो चलाओ, ओए ओए इसका पैर भी निकल रहे नीचे, रुक जाओ इसको कहीं तो फेंक के आना पड़ेगा, तो डिकम्पोज कैसे करूँ? अच्छा एक तो डस्टबिन में फेंक सकता हूँ ना इसको, और मैंने एक और तरीका देखा था, रुको इसको मैं 6 रुपए का बेच भी सकता हूँ, ये शायद ड्रम बिक रहा होगा 6 रुपए का, उसके अंदर डेड बॉडी वैसी बिक गई लो, लेकिन यार ये काम खराब हो गया पता है, अब अपना ये सब कुछ चला गया, अब वापस मंगाओ बैरल वगैरह। और यहाँ बैक्टीरिया आई बात के बैक्टीरिया, साफ क्यों नहीं हो रहे, इनका क्या करूँ मैं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, देखो पेट्रोल वेट्रोल डाल के बेच दूंगी, इसको उठा दूं, डस्टबिन में भी नहीं आ रही, पता नहीं भाई क्या है, छोड़ो मुझे क्या लेना देना, अब मैंने कुछ थोड़ी देखा, मैंने कुछ करा क्या, तुम लोगों ने देखा है ना, तुम लोग मेरे साथ हो, पुलिस वाले आए तो बता देना मैंने कुछ नहीं करा, इसी बात है, देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बड़ा पुलिस वालों को बुला रहा था मैं तो, पुलिस वाले टाइम पे होते ही नहीं, टाइम पे टाइम वाली जगह होते ही नहीं है। चलो इस सामान को रखो यहाँ पे, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ जाके सो शॉप पे, अरे लोग बाग आ जाते हैं शॉप, अरे सो जान दो यार, मेरे जो है हिम्मत नहीं है इतना काम करने की, बुजुर्ग हो गया हूँ समझो। अरे कितनी भीड़ है, फालतू की भीड़ जमा कर रखी है, रुक जाओ तो मैं भीड़ लगानी है ना। अरे मेरे को ये भी तो देना था, गया क्या वो डबल बेडरूम वाला, वेट अ मिनट, डबल बेडरूम वाला कहाँ है, दे दिया मैंने डबल बेडरूम, शेट मैं ये रूम साफ करने आ तो रहा था लेकिन वो चला गया होगा डबल बेडरूम वाला उतनी देर में, चोर ने भाई कितना नुकसान कराते हैं, किस बात का चोर है, क्यों आता है चोर, फालतू में चोरी करेंगे, बढ़िया है। लो भाई मैं सोता हूँ थोड़ी देर, मैं चला नहीं जा रहा है मेरे से, सीधी सी बात ये नहीं है भाई, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, इन सबको निपटाऊ, 6-6 कस्टमर बैठे हुए कई बात के, ओ आवाज आवाज देखना, इन लोगों दोस्ती हो गई इन लोगों में आपस में, इतनी देर में खिलाओ भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, मेरे को सोना है फिर देख लो। चलो भाई सबकी बिलिंग हो गई है, लास्ट बंदा बचा है और इसकी बिलिंग भी हो गई है, ये साथ के साथ में साफ करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, मेरे को ये बताओ ये डस्टबिन किस लिए, डस्टबिन भी भर रखा है इन लोगों ने, सब बावले आदमी, इतना कितना कचरा फैलाते हैं, बंद कैसे होगा, ये बंद भी नहीं होगा पता नहीं, करो मेरे को क्या करना, इसको फेंक देता हूँ मैं तो, ठीक है। और मैं जाके जाता हूँ सो, गुड नाइट, जब तक कोई नहीं आ रहा जब तक कोई दिक्कत नहीं, मैं सो रहा हूँ बढ़िया एकदम नींद ले रहा हूँ। मेरे पास 2800 रुपए हो गए, ठीक है, नहीं 2100 रुपए हो गए, और कौन चला गया, अरे उठ जा दादा, मुझे शॉप पे भी सामान रखना है, शॉप पे सामान रखने वाली औरत को निंदा करते हैं भाई, वेयर हाउस में, हाउस कीपिंग नहीं वेयर हाउस में,
चल और वो पे अभी नहीं कर रहा काम को, सामान मंगाना है अपनी स्टोर में से स्टोर के लिए। और ये क्या, ये किस प्रकार से गाड़ी चलाता है, किस प्रकार से गाड़ी चलाता है, शर्म है तेरे में, शर्म आया है, क्या कर रखा है गाड़ी। मैं उठा गाड़ी पलट, कई पावर ही खूब है मेरे, पावर कम समझ लिए थे तुम मेरे अंदर। हेलो अब बताओ, अरे चली गई क्या, अरे दीदी चली गई, दीदी के अंदर से गाड़ी ले गया वो, छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो सोने। यहाँ पे एक कस्टमर आया है, वन बेडरूम नहीं भाई दूंगा तो डबल बेडरूम को ही दूंगा, या फिर मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन कर लेता हूँ जिससे पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा मेरे पास आ नहीं रहा। यहाँ से 200 रुपए फिर आ गए मेरे को, ले यार मंगा ही दूंगा ना मैं, 3000 रुपए का आइटम मंगाना, 30000 रूम रेडी हो जाएगा एकदम आलीशान वाला। बाकी अपग्रेड्स मैं कर सकता हूँ इस टाइम, वेयर हाउस का अपग्रेड कर सकता हूँ, स्टाफ रूम का अपग्रेड कर सकता हूँ, शॉप का कर सकता हूँ, मोटेल रूम का कर सकता हूँ, मोटेल पार्किंग हो गया, क्या करा जाए भाई इसके अंदर। फ्यूल से आ रहा है फिलहाल पैसा, ये बनाते हैं, रुक जाओ 300 रुपए का अपग्रेड, नहीं रुक जाओ कैंसिल कर इसे, कैंसिल। पॉपुलैरिटी बढ़ा दें क्या, क्या इसमें रोज का तो पैसा नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा, 1000 रुपए लग रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ाने। और इसमें कितने लग रहे हैं, इसमें भी 1000 रुपए लग रहे हैं, एक और पेट्रोल पंप आ जाएगा अपने पास, लेकिन स्टाफ भी तो दो रखने पड़ेंगे फिर, कैंसिल करो। क्या ही बताऊं भाई, अभी मेरे मन में आ रही यार कि या तो पेट्रोल पंप भी बढ़ा दें, और एक और नई चीज है फ्यूल, मतलब फ्यूल कह रहा हूं मैं, ये बस पार्क, क्योंकि 750 रुपए ले रहा है, इससे मेरे को क्या बेनिफिट है, बसेस इवेंचुअली मेक अ स्टॉप एंड ड्रॉप द कस्टमर, तो मैं क्या करूं, अपग्रेड कर देता हूं भाई, पता नहीं। ओके दो लगा सकता हूं, एक और है यहां पे, कैंसिल करते हैं। और भाई 1000 रुपए का मैं कर रहा हूं पेट्रोल पंप अपग्रेड, बस अब मेरे माता सनक गया इसलिए मैंने कर दी, मुझे नहीं पता क्यों करी। और एक और अपग्रेड हो रहा है, वाह कैंसिल करो इसे, हटाओ, टॉप पे कस्टमर है और यहां पे कचरा फैला रखा है लोगों ने, हटाओ ये सारी चीजें। अब मैंने ना जो पैसा मंगाना था, ऑर्डर करना था ना जिस सामान को, उससे मैंने अपग्रेड कर दिए, अगर इससे बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं तो रो दूंगा जोर से। लाओ यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे कितने रुपए आ रखे हैं, 200 रुपए, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं, रिजर्व में फ्यूल तो पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लोग बाग आए, इसको देख लेते हैं अपन। चलो भाई अब गाड़ी आनी चाहिए दो जित्ती, ऐसा नहीं हो गाड़ी नहीं आ रही है फालतू में। आइए लौंडा, ये लौंडा पिटेगा, ये पिटा ले, यही खड़ा, क्या समझ रहा है, यहाँ ही खड़ा रहे, समझ तेरी पद्दू, मैं बता रहा हूँ थोड़े समझ में नहीं आ रही, यही खड़ा रहा, क्या देख रहा है उसके अंदर, क्या देख रहा है, एकदम रोक देना टाइम पे, रोक देना कितने कितना बरा रहा है, 18 17 18, ओहने रोक तो टाइम पे दी साढ़े, लेकिन यही खड़ा, इतना लेट नहीं करने का किसी को, रेटिंग चाहिए दबा के मेरे को, कल तो बकवास नहीं। चलो भाई हो गया सारा काम, अभी दूसरे पे कोई आ नहीं रहा है, ओह इतने सारे लोग, अच्छा मैंने बस स्टैंड बनाया ना भाई, बस स्टैंड बनाया, बस से देख रहे हो कितने सारे उतरे, बेनिफिट तो है, बेनिफिट तो है, इसमें 29 रुपीज है, इसके अंदर 60 रुपए है, ठीक है सही है। और लो अब यहाँ पे भी खड़ा हो गया ये, अब देखने वाली बात ये है कि इसका पेट्रोल भरने के बाद ही वहाँ जाएगा, रुक जाओ अब देखता हूँ बेटा, अब तेरा टेस्टिंग का समय आ गया है, कितना पेट्रोल भरा इस आदमी ने, पूरा फुल करवाई गाड़ी, इसने भी एक्स्ट्रा भरा, तेरी ऐसी गुद्दी लाल करूंगा, ऐसी गुद्दी लाल करूंगा, वो जा रहा है, जा रहा है आदमी अच्छा है। हाँ भाई अभी इतने सारे लोग कहाँ गए, इतने सारे लोग कहाँ भागे, अभी यहाँ क्यों जा रहे हो, पागल हो क्या तुम, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए तेरे को, चेकआउट की चल भाग जा, अरे मेरे को नाइस डे मत बोल, तू अपने आप को नाइस डे बोल। अभी यार सारे यहाँ भर जाओगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, वन बेडरूम, वेट अ मिनट यार, वन बेडरूम खाली करेगा ना ये, ठीक है मैं कर, कितना कूड़ा फैलाया साले ने, कितना कूड़ा फैलाया, एक दिन के लिए लिया था कमरा, कचरा कर दिया कमरे का। चलो भाई ये सब तो साफ कर दिया, अब कचरा कूड़ा मैं डाल लेता हूँ डस्टबिन में, लाओ ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और यहाँ पे पड़ा है कूड़ा, बस इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, लाओ भाई ये सारा कपड़ा दो मेरे को, फटाफट से धो के आने का है मेरे को। टावल वावल यार, टावल मंगवाऊ एक तो एक्स्ट्रा, बहुत सारे चाहिए टावल मेरे को, बहुत को डालो, इसको डालो, इसको डालो, okay। और तू ये क्या कर रही है, क्या करती रहती यार, काम कर लेना भाई, अटक क्यों जाती, तेरे में गिलच क्यों इतनी, क्या चाहिए भाई, खड़ी हुई फालतू के पैसा ले रही, फालतू का पैसा ले रही, इस बंदी को बंद कर, इस बंदी को लगाओ कहीं और, ठीक है जब काम करनी है ना तू तो हाउस कीपिंग में कर, चल बेटे काम कर, अब देखता हूँ उसका हाउस कीपिंग का वर्क क्या करती है, कहीं और जा रही है वो, ठीक है जब तक इसको, ओके इसने एक और बेडरूम साफ कर दिया, मतलब खाली कर दिया, अब वो साफ कर देनी चाहिए भाई, 5 रूम हो गए मेरे पास, देख रहे हो मस्त मजा एकदम, तेरे को क्या चाहिए, वन बेडरूम, वेट अ मिनट अगले को आन दे, जब तक मैं जो है शॉप के कस्टमर से निपटाया हूं थोड़े बहुत, लाओ भाई जल्दी जल्दी, ओके बहुत सारे सामान है यहाँ पे, 1000 रुपए मेरे पास वापस हो गए, 600 रुपए थे ना मेरे पास, हाँ 1000 रुपए वापस हो गए, देख रहे हो पैसों की कमाई तो हो रही है लेकिन खर्चा भी बहुत हो रहा है। लाओ अब हाउस कीपिंग के नाम पे वो क्या कर रही है, ओ पुलिस तू साले, फिर माते आ गई, फिर माते आज तो मेरे को गुस्सा आ रही है, पुलिस आई है, अरे तीनों को वन बेडरूम चाहिए, ये वाला सही करा कि नहीं करा उसने, कहाँ है यार वो औरत, कहाँ है, कहाँ काम कर रही है, वो काम कर भी रही है नहीं कर रही है, क्यों जरा एक, अभी मेरे को एक गुस्सा, इधर खड़े कहाँ है, इधर तेरी दीदी, दीदी है यार, आज नहीं मार रहा मैं, आज नहीं मार, दीदी को जाने देते हैं, अब बड़ी गुस्सा आई थी मेरे को, मैं मार देता छोड़ो छोड़ो गाइस छोड़ो, वेट अ मिनट, अरे वो कहाँ है, कर क्या रही है यार, वो हाउस कीपिंग वाली क्या कर रही है, अभी और बताना मेरे को कहाँ है हाउस कीपिंग वाली, कहाँ है, ये लौंडा तो अंदर आ गया ठीक है, और वो कहाँ है हाउस कीपिंग वाली, चाह क्या रही है, मुझे तो यही समझ आ रहा है, ये देखना ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, देखूँ मैं जरा, देखूँ मैं क्या कर रही है, यहाँ गई ठीक है, यहाँ गई, यहाँ गई, और अरे भागने के पैसे दे रहा हूँ तेरे को मैं,
करी, हाउस कीपिंग के नाम पे तो इसने कुछ नहीं किया लग रहा मुझे। अरे भाई ये लोग ईमानदारी से काम भी तो नहीं करते, मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को। अब मेरे पास ये काम नहीं है, ये काम करूं कि वो काम करूं, बताओ क्या बताऊं। उससे काम नहीं हो रहा ना, वहाँ का 5 जने यहाँ पे हाउस कीपिंग के नाम पे। भाई उस औरत ने कुछ नहीं किया मुझे पता है। मैनेजमेंट में जा, स्टाफ में जा, तू है ना तोड़, तू कैश रजिस्टर में लगा दूंगा इसको। नहीं यार क्या कर रही है हाउस कीपिंग के नाम पे, मुझे ये देखना था। और जो तो कुछ नहीं करा इसने हाउस कीपिंग के नाम पे, यही तो होटल का ही तो काम करेगी हाउस कीपिंग में। देखना इधर भी कचरा पड़ा है पूरे में, ये रूम खाली हुआ क्या? ओ ये भी खाली, वाओ ये भी खाली हो गया है, बट अभी तक कोई भी रूम वापिस से बना नहीं, और पता नहीं वो कर क्या रही है। और यहाँ पे एक और कस्टमर आ गया है मेरे यहाँ। भाई मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई ये हाउस कीपिंग में कर क्या रही है। देखना ये यहाँ खड़ी है औरत, और क्यों खड़ी है ये औरत मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या पता भाई उनके पैसे भी कट रहे हैं, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। स्टाफ में जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की, हट जाओ हट जाओ। रेस्ट पर लगा दिया दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाओ क्या चाहिए तुम्हें, 1 बेडरूम चाहिए? बेटा मैं पहले देख लूँ मेरे, सबको भगाओ सबको भगाओ, कोई सा रूम रेडी नहीं है। ये डबल रूम लेने आई है, रुक जा चल, सॉरी नहीं है रूम, हट जा। अगलिया जल्दी आ, उसको वापस से लगाऊं यार हाउस कीपिंग पे। भाई करना यार काम करना, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तू आ जा ना हाउस कीपिंग पे, जो तो हाउस कीपिंग के सबसे ज्यादा रुपए हैं। वापस लगा दिया, अब देखते हैं करती कि नहीं करती। नहीं है भाई 1 बेडरूम नहीं है, सब 1 बेडरूम वालों को भगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो लौंडा आया क्या हाउस कीपिंग वाला? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं आया। बाकी फ्यूल पे एक जना खड़ा हुआ है। हेलो भाई क्या चाहिए तेरे को? रुक जा, तेरे को दे दूंगा 1 बेडरूम, ठीक है, 96 आवर्स के लिए चाहिए ना तेरे को। रुक मैं बिछाऊ बेडशीट, इसके बाद ब्लैंकेट बिछाना है, ठीक है। और यहाँ पे टॉयलेटरी रखनी है मेरे को, टॉयलेटरी रख दी है। के बाद एक टूथपेस्ट रख दिया, टूथपेस्ट और ये टॉवल उठाओ और एक टॉवल और दो, टॉयलेट नहीं टॉवल, ठीक है टॉवल रख दिया है। इसके बाद मेरे को रखना है एक टॉयलेट पेपर, ये टॉयलेट पेपर रख दिया है मैंने। ला भाई इधर, इसको रखते हैं बाहर। और ये रूम नंबर है अपना 1, रूम नंबर 1 ले जा भाई। तू कहाँ है? तेरे को क्या चाहिए? 1 बेडरूम चाहिए। वेट अ मिनट, उसको आने दे, वापस उसको आने दे। रूम नंबर 1 उठाओ चाबी, इसको रखो यहाँ। हेलो दीदी आपको क्या चाहिए? रूम 1 बेडरूम चाहिए? नहीं है। वेट अ मिनट, उसको आने दो। हाँ इस लौंडे को दे देता हूँ मैं, ठीक है ये कमरा ले भाई, तू ये वाला कमरा ले ले, टेक दिस रूम। और इससे पेमेंट मिल गया मेरे को 500 रुपए का। चलो डन, सारा काम हो गया अपना। अभी फ्यूल टैंक पे लोग बाग खड़े हैं और कस्टमर्स भी जाते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता है अभी ये स्टाफ क्या काम कर रहा है मेरा, पागल हो गए स्टाफ, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, काम पता नहीं क्या है। गैस स्टेशन पे जा रहे, तेरे को पे करता हूँ, गैस स्टेशन पे लगी रहती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई हुई, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये हाउस कीपिंग का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। गाड़ी को भगाओ, फायर करो, फायर करूंगा इसको आदमी को डायरेक्ट। क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? ले भाई ये का, अरे वो गुस्सा होके चली गई दीदी। नहीं है, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, चलिए। वो बंदी बस फ्यूल पे काम कर रही है, उसको करने देते हैं, ठीक है। मैं इनकी बिलिंग कर देता हूँ सबकी, फटाफट फटाफट, कम से कम एक चीज तो संभालू मैं। यार हाउस कीपिंग कैसे कराते हैं? कुछ तो और तरीका होगा, मेरे को नहीं पता, उससे तो काम नहीं हो रहा है। हाउस कीपिंग पे सेट कर दिया ना, तो वो मतलब चद्दर वद्दर धोने का ही तो काम करते हैं हाउस कीपिंग वाले, क्यों नहीं कर रहा है? साढ़े बताऊँ तेरे को मैं, यहाँ वो इनके 300-300 रुपए होने के बाद अगर इन्हें मैं फायर कर दूँ तो कैसा मजा सा आ जाएगा? क्या है भाई भग जाए असला भाई, ये कचरा मैं नहीं, यार मुझे नहीं उठाना ये कचरा, ठीक है। मेरे को रखना है यहाँ पे कोई ना कोई हाउस कीपिंग के लिए। मैनेजमेंट में जाओ, पूरे स्टाफ में जाओ, हायरिंग में जाओ। हायरिंग में जाके कौन सा काम करेगा बताओ? हाउस कीपिंग का काम किससे करवाए? इससे करवाते हैं, इसको हायर करते हैं। अब चलते हैं अपन स्टाफ में, इसको वापस से मैं क्लीनिंग का, अगर मैं क्लीनिंग का जुगाड़ दे दूं इसे तो ये सिर्फ क्लीनिंग करेगी क्या? हाउस कीपिंग में क्या होता है? वेयर हाउस है, कैसे क्लीनिंग पे रखते हैं इसको, ठीक है। थोड़ी देर क्लीनिंग पे रखते हैं, देखते हैं क्या क्लीन करने आती है। कहां गई ये? कहां गई ये? क्लीन नहीं हुआ ना अगर थोड़ी देर में, ये चीज मैं इसे मार दूंगा। ओ उठा, उ अच्छा अबे ये चीज मत फेंके यार तू, यार क्या पागल सी औरत, हट जा। ये चीजें मैं हटा दूंगा, ये चीजें मत फेंके, कमरे साफ कर जाके। इधर दे दे मेरे को दे, फालतू काम करने लगते हैं इनको, कोई काम बताओ तो। भाई मैं भी क्लीनिंग में साथ दे देता हूँ, वरना ये पैसे खाएगी बस, और कुछ नहीं है। और बता अब क्या करेगी ये औरत? अच्छा वहाँ अंदर झाड़ू मार रही है। यहाँ पे क्या झाड़ू मार रही है? यहाँ कोई झाड़ू मारने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं क्या करती है। भाई एक एक का काम देखूंगा मैं प्रॉपर ढंग। अब वहाँ जाएगी वो कचरा उठाने? वो कचरा मत उठा दियो फालतू में, ये अंदर आ रही है। अरे साला झाड़ू मारेगी औरत यहाँ के फिर। और बोलो और क्या करेगी तू काम? अच्छा ये डस्टबिन उठाया तूने, और ये बात यही तो काम करना है। सही है करती रहे, बढ़िया बात है। ये भी कमरा साफ कर दियो, ठीक है। और ये कमरा तो खराब है ही नहीं। चलो अब ये क्लीनिंग कर रही है भाई, अब मैं एक एक करके ना काम करना स्टार्ट करता हूँ। क्या चाहिए तेरे को? 1 बेडरूम चाहिए? नहीं है। चल अगला फटाफट अब क्लीनिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, जब उसको मैं हाउस कीपिंग पे रख दूंगा। 1 बेडरूम नहीं चाहिए, हटा। अगला आजा फटाफट आजा, तू भी 1 बेडरूम मांगने वाला है मुझे पता है, हट जा। अब मैं बेडरूम सेट करता हूँ सारे, ठीक है। ये धोने में कौन डाल के आएगा ये और बताओ मेरे को? तूने साफ कराई कमरा? ये साफ तो नहीं हुआ है कमरा। क्या कर रही है तू अंदर? अबे अंदर क्या कर रही थी? हम खोल रहे, देर से साफ नहीं हो रही है चीजें, पागल। चलो अभी कहाँ जाएगी? अरे गेट खोल के जा, मैं अंदर हूँ ना, दिखता नहीं तेरे को? भाई अब इसको मैं रखने वाला हूँ हाउस कीपिंग पे। लाओ मैनेजमेंट, चलो स्टाफ में चलो, इसको रखो हाउस कीपिंग पे, ठीक है। अभी क्या करेगी? कपड़े तो चेंज हो गए इसके, अभी जाके अंदर सो जाएगी।
सही बता रहा हूँ, ये अंदर जाके सो जाएगी बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं हाउस कीपिंग पे ये लोग। देखना ये यहाँ आ गए, दोनों यहाँ आ गए। ये किस प्रकार की हाउस कीपिंग चल रही है? क्या पता भाई, इससे अच्छा तो मैं इनसे कैशियर बना देता हूँ, कम से कम वहाँ पे पेमेंट तो लेगी सबके। कैश रजिस्टर, ये क्या है? कैश रजिस्टर वन, नहीं कैंसिल, क्लीनिंग रजिस्टिंग, कैश रजिस्टर वन ही बनाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, कैश रजिस्टर हो गई है। कैश रजिस्टर 5 रुपए इसकी प्राइस, बट ये गई कहाँ है? कैश रजिस्टर कर रही है कि नहीं कर रही? ओके, शॉप में काम कर रही है ना, शॉप में काम कर रही है, बहुत बढ़िया, शॉप में काम करती रहती है ना। सही है, बहुत सारे कस्टमर है, जब खत्म हो जाएंगे जब मैं तेरे को उठा दूंगा। अब मैं अपना काम कर लेता हूँ, या तो सो लेता हूँ, इन दो काम में से एक कर लेता हूँ, मुझे सोना भी बहुत जरूरी है इस टाइम। ठीक है दीदी, आपको क्या चाहिए? वन बेडरूम नहीं है, मैं जाके सो रहा हूँ। बढ़िया, फ्यूल पे भर रहा है बंदा और उस पे भर रहा है बंदा। चल गुड नाइट हो गई है, जोर से गुड नाइट हो रखी है। लाओ क्या चाहिए तुम लोगों को? नहीं है वन बेडरूम, तू आइयो अगला आ जा। चलो मेरे में थोड़ी बहुत एनर्जी तो आ गई है, और वन बेडरूम वाले ही है सारे लोग। ठीक है, इसको उठाते हैं, और उसके बाद मुझे ये सब उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, इसके बाद मुझे उठाना है ये। चलो ये नहीं उठा सकता, फटाफट से सारे कपड़े डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, जिससे मेरे सारे कपड़े रेडी हों, फटाफट फटाफट से भागो। नेक्स्ट मुझे इस रूम में से कपड़े उठाने, 1 2 3 4, उसके बाद बाबा जी की जय जयकार, 1 2। चलो इधर के भी सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं। इसके बाद इस कमरे से, ओके ये कमरा तो साफ है भाई। अच्छा, इस कमरे का टावल उठाना था ना मेरे को? हाँ ये टावल दे दे, टावल देना पहले इसको उठाना। अरे दे दे यार टावल। अच्छा एक ही चीज उठा सकता हूँ, हाथों में बोझा आ जाता है मेरे, बोझा। यहाँ पे मम्मी कपड़े उतारने को बोलती है, तो साला पूरा शरीर भर के ले आता हूँ मैं, लेकिन कपड़े सारे लेके आता हूँ एक बार में। ये नहीं दिख रहा इन लोगों को? मशीन चला, मशीन चला, जल्दी। वो एक कहाँ रखा था मैंने? ये रखा, इसको उठाओ और इसको भी वहां लेके चलो, क्योंकि ये भी धोने का है मेरे को। फ्यूल पे लोग खड़े क्यों? फ्यूल पे लोग क्यों खड़े मुझे ये बताओ? काम नहीं कर रहा वो आदमी, पीटू खड़े काम कर तो रही है ये, करे ना काम। 244 रुपए आ गए, इधर कितने हैं? 150 रुपए आ गए। चलो और रखना पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख दूंगा, एक जना अपने पास है अभी फ्री बैठा रहता है। चलो ये उठाओ पैसा, ये उठाओ पैसा, चलो फटाफट। शॉप पे लगी हुई है ना औरत? शॉप पे लगी हुई है औरत। ठीक है, अब मैं भाई एड स्पेस आ गई है मेरे पास, बस स्टैंड पे मैं एड लगा सकता हूँ। देख रहे हो वो व्हाइट व्हाइट कलर का, वहां मैं एड लगा सकता हूँ। और आपको क्या चाहिए? वन बेडरूम चाहिए? नहीं मेरे पास। मैं चलता हूँ एड्स के अंदर, और एड लगा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा मैंने सारे भर लिए, इसको गेट पेड कर देते हैं। अब मैं कार डीलर से ये ले सकता हूँ, ट्रक बाय अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या मेरे को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा क्या? क्या पता भाई। बाकी हेलो सर, आपको चाहिए? वन बेडरूम नहीं है मेरे पास। ठीक है, सारे डबल बेडरूम की बेडशीट धोने गई हुई है, और एक और ऑफिस पे बंदा आ गया, इसको देख लेते हैं मैं क्या कर रहा है भाई। वन बेडरूम नहीं है यार, मना कर दिया ना जब समझ में नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? क्या दिक्कत है, तुम समझ में बिल्कुल नहीं आती। पेट्रोल पंप का देख लेता हूँ भाई, थोड़ा सा पेट्रोल पंप में ना दिक्कत चल रही है, इधर टाइमिंग चल रहा है अभी, कैसे संभाल रही मैं ये देखूं जरा। अच्छा इसका टाइमिंग चालू हो जाता है जब तक उसको संभाल के आती ना, बढ़िया। एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है फ्यूल पे, एक को चलने देते हैं, उसको परमानेंट पेमेंट करता रहूंगा, क्योंकि इनसे बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास। देखो 35 रुपए आ गए फिर से, यहाँ से भी रुपए उठा लेता हूँ मैं, ये पैसे आ गए मेरे पास, और 2200 रुपए मेरे पास वापस आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने 600 रुपए बचे थे मेरे बैंक में पूरे। ठीक है चलो मैनेजमेंट में, स्टाफ में चलो, पे करता हूँ सबसे पहले तो इसको पे करो। ठीक है गैस स्टेशन वाली को पे कर देता हूँ। तू रेस्टिंग फेस पे ना, तू एक काम कर, तू वेयर हाउस का काम करने लग जा। चल वेयर हाउस में काम कर, मैं जब तक जो है ये सामान 2100 का हुआ है। अरे यार 3000 रुपए चाहिए मेरे को, जल्दी जल्दी ला दो यार, 1000 रुपए और ला दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। देखो फिर मैं क्या सामान मंगाता हूँ, वेयर हाउस से काम कर रहा है ना। हाँ चलो वेयर हाउस में पहले देख लूँ कितना सामान रखा है। ठीक है एक ये रखा, एक ये रखा, ये रखा, ये जमा देगा। अब इनमें से मैं ये निकाल लेता हूँ सारे कपड़े, इन कपड़ों को इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, बचे हुए कपड़े भी निकालो, और ये दोनों कपड़े डालो, इसको करो स्टार्ट। मशीन चालू हो चुकी है, और अब मैं अपने कमरे वापस से सही कर देता हूँ सारे। और यहाँ पे कस्टमर आया, हेलो दीदी आपके लिए वन बेडरूम नहीं। चलो अभी यहाँ से मैं ये बेडरूम सही करना चालू करता हूँ। मेरे को चाहिए सबसे पहले ब्लैंकेट, इसको रखो यहाँ, दूसरी ब्लैंकेट दो मेरे को, दूसरी ब्लैंकेट रखो यहाँ, बेडशीट दो, एक बेडशीट यहाँ रखो, दूसरी बेडशीट भी यहाँ रखो, इसको बिछाओ, इसको बिछाओ, इसको बिछाओ, इसको बिछाओ, इसको। बेड हो गया प्रॉपर तैयार। इसके बाद मुझे देना है टॉयलेट पेपर, एक टॉयलेटरी, एक ये और एक टॉवल। ठीक है टॉवल रखा हुआ है यहाँ पे, डबल बेडरूम है ना, टॉवल नहीं एक टॉवल रख दो। ठीक है उसके बाद एक टॉयलेटरी रखो यहाँ पे, उसके बाद एक टूथपेस्ट रखो, टूथपेस्ट। ठीक है उसके बाद एक ये डालो इसके अंदर, और ये अपना कमरा हो गया प्रॉपर रेडी। चलो रूम नंबर 2 अपना है रेडी। कौन सा है ये रूम नंबर 2? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको कौन सा रूम चाहिए दीदी? वन बेडरूम नहीं है, रूम नंबर 2 है डबल बेडरूम। इस चाबी को रखते हैं यहाँ पे, ये रेडी है। ठीक है और इस कमरे को आप कर देते हैं बंद, ये रेडी है ना। एक बार मैं और देख लेता हूँ रूम्स में, चलो रूम नंबर 2 है रेडी है। इसको ऑन करके क्या होगा ये, इससे क्या फायदा है? क्या पता भाई। इसके बाद मैं चलता हूँ रूम नंबर 3, इसके अंदर मेरे को जो है बेडशीट चाहिए, ब्लैक नहीं ये ब्लैंकेट चाहिए वाली, अभी धुली नहीं है बेडशीट, शायद धुल जाएगी। बेडशीट ब्लैंकेट, एक टॉयलेट पेपर दे दो मेरे को बड़ा वाला। ठीक है इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। दूसरा टॉयलेटरी दे दो, और एक ये दे दो। टॉयलेटरी वगैरह कहाँ रखी थी मैंने इसकी? यहाँ यहाँ रखी थी। एक टॉयलेटरी यहाँ रख दो, एक ये दे दो, इसको रख दो यहाँ पे। ठीक है और मुझे कुछ टॉवल दे दो, टॉवल चाहिए, एक टॉवल रखना है। अच्छा टॉवल भी यहीं रख रखा था क्या मैंने? टूथपेस्ट के ऊपर रख देता हूँ। ये कमरा रेडी हो गया है, बस बेडशीट वगैरह चाहिए है ना। बेडशीट गई कहाँ इसकी? ब्लैक कलर वाली। अच्छा बेडशीट व्हाइट ही तो थी इसमें, अरे मैं कहाँ पागल हो रहा हूँ। बेडशीट
इसके लिए व्हाइट ही है, ठीक है, इसको बिछाओ, बस एक ब्लैंकेट चाहिए जो कि धुल रहा है, बाकी फिर ये रूम भी रेडी हो जाएगा। मैं जाता हूँ, सो शॉप में काम चल रहा है बढ़िया और फ्यूल टैंक पे भी काम चल रहा है एकदम बढ़िया, लेट्स गो, गुड नाइट। नहीं 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 गुड नाइट ऐसे कैसे हो जाएगी, फ्यूल चलो डिलीवरी में चलो, फ्यूल चलो और इसे मंगा दो ऑर्डर, लेट्स गो भाई। 800 रुपए का फ्यूल मंगा दिया मैंने, वापस से मेरे पैसे सारे खत्म हो चुके हैं, ऑफिस में कस्टमर्स आ रखे हैं, ऑफिस के कस्टमर्स को निपटा लेता हूँ। वन बेडरूम चाहिए नहीं है, नेक्स्ट आओ, कोई डबल बेडरूम मांगने वाला नहीं आ रहा क्या यार, क्यों नहीं आ रहा वन बेडरूम, यार वन बेडरूम ही बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है वन बेडरूम ही बनाऊंगा अब मैं, वन बेडरूम अभी के लिए चला जा, अब से मैं सारे वन बेडरूम बनाने वाला हूँ क्योंकि डबल बेडरूम मांगने आते ही नहीं है। और एक काम करता हूँ अभी इनकी धज्जी उड़ेगी, देख प्राइसिंग का ऑप्शन था ना कहीं, रूम्स में अपग्रेड एड्स अपग्रेड कार डीलर मैनेजमेंट प्राइसिंग, आइयो जरा अब मैं बताऊँ तुम्हें, ओन्ड प्रोडक्ट नहीं, फ्यूल एंड मोटेल, ठीक है, रूम वन, वन बेडरूम टू बेडरूम, वन बेडरूम की प्राइस रहने वाली है अब से अपनी 200 रुपए, अबे नहीं 200 रुपए तो ज्यादा हो गया, 80 रुपए, अरे 130 रुपए, ठीक है, अरे ये भी बहुत कम चांसेस हो गए, 120 रुपीज, और इसकी प्राइस अपन रख देते हैं यार इतना 50% चांस है, अगर ले ले मतलब 50% चांस हो जाएंगे, फ्यूल की प्राइस है 125% हो गई भाई, फ्यूल की प्राइस बढ़ा देते हैं 2 रुपए, ठीक है, दो नहीं दो की जगह कर देता हूँ मैं 1.50, ठीक है ये सही है, और इनकी प्राइस मैं 110 करने वाला हूँ और इसकी प्राइस मैं करने वाला हूँ 130, ठीक है, इसकी प्राइस घटा दी है मैंने और उसकी प्राइस वन बेडरूम की प्राइस बढ़ा दी है मैंने, अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है, अब आने दो कस्टमर्स, अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे बेडरूम बिक ही नहीं रहे भाई सब कुछ, क्यों खड़ा है बहुत बढ़िया, मेरे ऐसे तो पैसा बिगाड़ रहे हैं लोग। इस बंदे को काम से उठाओ, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, इस बंदे को रखते हैं अपन रेस्ट में डाल देता हूँ, क्लीनिंग की अभी कोई जरूरत नहीं, क्लीन मैं ही बहुत कर लेता हूँ, चलो इस बेड को मेरे को तैयार करना है, ब्लैंकेट में चलो, इसको रखो यहाँ, इसको बिछाओ, टॉयलेटरी पूरी रेडी है, ठीक है, उसके बाद बेड पूरा तैयार है, इस कमरे को करते हैं बंद, बेडरूम नंबर 3 भी एकदम अपना फुल तैयार है, देख लेता हूँ बस मैं, ओके 3 और 4 भी रेडी है अपना रूम, लेट्स गो, अब बस लोगों का इंतजार है, जब तक मैं जाके सो जाता हूँ, गुड नाइट गाइस, जोर से गुड नाइट हो गई है, अब बस ऑफिस में मेरे को लोग बाग चाहिए ना, और इलेक्ट्रिसिटी वापस से चली गई है, एक बार रुको मेरे को उठने दो यहाँ से, और ये फ्यूल क्यों नहीं भर रहा है, फ्यूल वाला बंदा रुको जरा, नो इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा अरे 2 बेडरूम चाहिए, वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ गई है, एक ही सेकंड बस ये ऑन कराऊं, ई टू टर्न ऑन, चलो भाई नो इलेक्ट्रिसिटी, अरे नहीं टर्न, चल भाई आ जाएगी अभी 2 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तुम लोग बस भाई क्या जबरदस्त तरीके से लोग बाग आ रहे हैं, शॉप का आइटम मंगाना पड़ेगा, सारे आइटम मैं उठा रहा हूँ अपनी कार्ट से, और तो क्या ही करूं, वेट अ मिनट, रूम नंबर 2 है ना डबल बेडरूम, नहीं रूम नंबर मैं इसको 3 वाला दे देता हूँ, मस्त ज्यादा दिन के लिए भी ले रही है, प्रॉफिट भी बहुत होगा, ले भाई रूम नंबर 2 3 ले ले, रूम नंबर 3 यहाँ रख देता हूँ, टेक दिस रूम, और मेरे को मिल रहा है 500 रुपए, मेरे पास आगे रुपए, चलो अगला कौन है, अगला भी 2 रूम के लिए आ रहा है, नहीं यार वो तो उसके साथ जा रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे यार, 2 बेडरूम के लिए आ जाओ ना यार, तुम लोग 2 बेडरूम के लिए, अरे अब देखा तुमने मैंने प्राइस बढ़ाई तो 2 बेडरूम के लिए आया, 1 बेडरूम के लिए आया, ठीक है वेट अ मिनट, दूसरे वाले को आने दे, 96 आवर्स के लिए 1 बेडरूम के लिए आया, मैं इसको 1 बेडरूम देने वाला हूँ, ये वाला जो है ना ये वाला देने वाला हूँ, इसके अंदर ज्यादा सामान है नहीं, नॉर्मल रूम है बट सेट है पूरा रूम, लाइयो इधर आइयो, क्या चाहिए तेरे को, 1 बेडरूम चाहिए 24 आवर्स के लिए, ठीक है इस बेड को उठाओ, ठीक है इस बेड को रखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है एक काम करता हूँ, इस बेड को वापस उठाओ, इस बेड को रख इसके अंदर, गीला हो जाएगा वरना, एक तकिया दे दे और इसके अंदर से एक तौलिया दे दे, इस बेडरूम को मैं दे देता हूँ उस बंदे को, ले भाई ये वाला बेडरूम ले ले, कौन सा बेडरूम है, होल्ड ऑन, कौन सा बेडरूम था वो अपना, रूम नंबर 4, ले भाई रूम नंबर 4 ले, टेक दिस रूम, और इससे मेरे को मिल रहे हैं, इससे भी मेरे को 500 रुपए मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे 500 रुपए देके जाते रहो, अभी मेरे पास 2400 रुपए हो चुके हैं, अभी मेरे को चाहिए पैसा इन लोगों ने कमाया होगा दवा के पैसा, 230 रुपए यहाँ है, ठीक है यहाँ पे कितने हैं 170 रुपए, चलो ये हो गए 2800 रुपए, यहाँ पे होंगे थोड़े बहुत रुपए, 288 एंड 293, और अब बस स्टैंड का और देखने दो क्या चक्कर है, बस स्टैंड से कोई पैसा नहीं मिलता क्या, अच्छा बस ये तो लोग बाग खड़े रहते हैं, लोग बाग जाते हैं यही सीन है यार, बाकी यहाँ पे काम पे लगी हुई है, अभी कोई आया हुआ नहीं है, आ जाएगा भाई थोड़ी देर में, झाड़ू पोछा कर दूं रूम थोड़ा बहुत, अच्छा अबे सब खत्म हो गया यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा कोई, सामान मंगाना पड़ेगा शॉप के लिए, शॉप को कर देता हूँ मैं बंद कुछ देर के लिए, मैनेजमेंट चलो स्टाफ में चलो, कैश रजिस्टर की जगह रेस्टिंग पे डालो इसे, और होम पे चलो और शॉप को करो बंद, अब मेरे पास 3000 रुपए आती है, पहले तो ये डिलीवरी मंगाऊं उसके बाद बाकी की डिलीवरी मंगा, ठीक है 2000 रुपए कुछ देर में आ जाएंगे, बस मेरे को एक कस्टमर चाहिए डबल बेडरूम का, ठीक है अरे नहीं आ रहा डबल बेडरूम के, आ ही नहीं रहे, नहीं सर आपको यहीं से लौटा रहा हूँ मैं, यहीं से चले जाओ, पार्किंग बढ़ाऊं पहले तो, पार्किंग बढ़ाऊं, अपग्रेड्स में चलो, मोटेल पार्किंग लॉट्स बढ़ाओ, अपग्रेड करा तो हो ना, मस्ट बी क्लीन, अरे क्लीन करो एरिया, क्लीन करो सर नहीं है, भग जाओ यहाँ, आई एम वेरी, ये वाला एरिया क्लीन करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है और ये वाला भी एरिया क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं पार्किंग खोलने वाला हूँ बहुत दबा के यहाँ की, ये तो सब डस्टबिन में आ जाएगा ना, चलो जो डस्टबिन में आ सकता है वो मैं डस्टबिन में ले लेता हूँ, उसके बाद इसको फेंकना है, ये भी, चलो भाई पूरा एरिया मैंने साफ कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी इसको खोलने में, एरिया को टू एक्सपेंसिव, माय गॉड टू एक्सपेंसिव रहेगा, कितने सारे जने आ गए, काड़ो कचरा तुमने 1000 फैलाते हो यार, ये जरा डबल बेडरूम चाहिए वो ले लो, मैं नहीं दूंगा सिंगल बेडरूम,
ठीक है। अरे नहीं है यार, सिंगल बेडरूम नहीं है मेरे पास, कह दी जब मैंने मना कर दी। अपग्रेड्स में चलो, और डबल बेडरूम वाले नहीं होगा, इनमें से कोई सा डबल बेडरूम नहीं होगा, ये सब बस वाले, ये सारे बस में से जो आते हैं ना भगते हुए, भगते मरते से वो हैं। सिंगल रूम बहुत मांगते हैं यार, क्या करा जाए, सिंगल रूम दिया जाए क्या इन्हें। मैंने इतने प्यारे प्यारे डबल बेडरूम बना रखे हैं यार, सिंगल रूम लेने आते हैं लोग, गुस्सा लगाती है मेरे। फ्यूल भरने के लिए लेडी लगी हुई है कि नहीं, क्या कर रही है रे चोरी, पैसा दे दे मैं अपना ऑर्डर मंगाऊं भाई, ये लोग तो फालतू। चलो भाई लेट्स गो, 3,080 रुपए आ चुके हैं मेरे पास, अब मैं चलता हूँ और अपना ऑर्डर मंगाता हूँ, फिर मैं जाके सो जाता हूँ, मुझे चाहिए मेरा ऑर्डर। लेट्स गो, ऑर्डर कर दिया मैंने, एक बेड और एक बाथ टब हटाया बस, और कुछ नहीं हटाया, बाकी सब कुछ आ गया है। दोनों चीज को ऑर्डर करेंगे अपन बाद में, ऑफिस में एक जना रखा है उसको बाद में देखते हैं। ऑफिस में हेलो सर, आपको क्या चाहिए? दीदी है सर, नहीं है, नहीं है अपन बेडरूम नहीं है मेरे पास, डबल बेडरूम ही है, डबल बेडरूम ही दूंगा मैं। और 2,800 रुपए बचे, 150 रुपए आते ही मेरे को करना है एक मोटेल का अपग्रेड, मोटेल पार्किंग अपग्रेड करेंगे अपनी बार। एक ऑफिस पे फिर से कस्टमर है, हेलो सर 2 बेडरूम चाहिए, वेट अ मिनट ब्रो, वेट अ मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन बड़ी होल्ड ऑन। कौन सा बेड खाली है? सेकंड बेड खाली एक तो, और एक अपना, अभी दोनों भर गए क्या? अभी अच्छा, ये सिंगल बेड बना के बेच दिया था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो दीदी आपको, होल्ड ऑन सेकंड बेड सेकंड कमरा दे देता हूँ, ये टेक दिस, टेक द पेमेंट, लेट्स गो, गुड नाइट गाइस। और अपनी डिलीवरी भी आ चुकी होगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 138, और अपने ऑफिस पे एक बंदा है और डिलीवरी आ गई है वेयर हाउस पे। चलो लेट्स गो। हेलो सर, अपन बेडरूम नहीं है, बेडरूम ही नहीं है, बेडरूम ही खत्म हो गया, दूसरी डिलीवरी भी ऑर्डर करनी है मेरे को। ये खोलो, पैसा मेरे पास 300 रुपए आ गए, और यहाँ पे बुक्स कितनी, अरे यार इस तरीके से रखे आती है ना बुक्स, मेरे को बहुत गुस्सा। लो भाई सबसे पहले तो एक बंदे को यहाँ लगाता हूँ वेयर हाउस पे, वही काम करेगा, वेयर हाउस से काम हो नहीं रहा, पैसा दो थोड़ा बहुत। और टेस्ला, ओहो टेस्ला, ये भाई इसका पेट्रोल भरियो जरा, इसका पेट्रोल भर, देखें कितना मांगेगी ये, पेट्रोल लगा रही है पागल है क्या, 24 लीटर देख लो। और यहाँ का बंदा कहाँ गया? अच्छा शॉप तो मैंने बंद कर दी थी ना, ठीक है ठीक, शॉप मैंने बंद कर रखी है, अब वापस चलते हैं स्टाफ में चलते हैं, जो रेस्टिंग पे ना उसको वेयर हाउस पे लगाते हैं, ठीक है। चल ये काम करना स्टार्ट हो गया, ये भी रेस्टिंग पे, इसको भी वेयर हाउस पे लगा देता हूँ, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा थोड़ा। दोनों वेयर हाउस पे लग चुके हैं, इसके बाद अब मुझे मंगाना है डिलीवरी ये वाली, चिप्स के पैकेट मंगाने हैं, चिप्स के पैकेट, और सारी ग्रीन वाली चीज मंगाने वाला हूँ आपकी बार, क्योंकि ग्रीन में ही प्रॉफिट है, बाकियों में प्रॉफिट नहीं है। चलो इसमें दोनों ग्रीन मंगा लिए, ये ग्रीन है ये ग्रीन है ये ग्रीन है, के बाद ये भी ग्रीन है ये भी ग्रीन है, ठीक है ये ग्रीन है ये ग्रीन है। पेटीज में चलो, ये और एल्कोहल्स में ये और ये, सिगरेट्स के अंदर एक ये है। मेरे को अभी कार्ट भी देखनी है कितने की हुई है, कार्ट की साइड मैंने एक बार भी देखा नहीं है, अभी देखूंगा लास्ट, देखते हैं कितने की हुई है कार्ट। रुक जाओ, एक ये ऐड कर लिया, सब ऐड कर लिए, 2,400 साढ़े पेड़ मुगरे 2,400, लेकिन स्मॉल में आ जा रहा है, ठीक है इसको मंगाएंगे अपन, इसको मंगाएंगे। ऑफिस में 2 जने 3 जने ऑफिस में, क्या कर रहे हो भाई तुम, 2 बेडरूम, वेट अ मिनट, दूसरे को आंदो, डबल बेडरूम में, अब डबल बेडरूम देखना भाई कैसे चिंदी लोग हैं, चिंदी भाई चिंदी छी। अब डबल बेडरूम के लिए आगे लोग बाग, क्या चाहिए तेरे को, 1 बेडरूम चाहिए ना, तू यहीं खड़ा रहे। अब देख ये यहाँ खड़ा रहेगा, उतनी देर के अंदर मैं सबको सेटलमेंट बैठा दूंगा, क्या कर रहे हो तुम, 2 जने नहीं लग रखे क्या यहाँ पे काम पे, अली क्या कर रहे हो, गेट उठाओ मैं उठाऊ भाई, आधा सामान तो ऐसी है ये पागल है साढ़े बुद्धि के, फटाफट चल ये रूम सजाना है मेरे को पूरा, ठीक है वो भी 5-10 मिनट में लास्ट, क्योंकि 2-2 मिनट करके 3 जने खड़े वहाँ। ये यहाँ रखो, 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 ठीक है इस वाले बेड को उठाओ, इस वाले बेड को रखो बाहर, ये उठाओ तो यहाँ रखो, तो यहाँ रखो। चल भाई सबसे पहले बाथ टब है, नहीं पेंट तो करा ही नहीं है, पेंट तो होगा ही नहीं, फॉल सीलिंग तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है फॉल सीलिंग यही वाली कर देता हूँ पूरे पे, अच्छी लगती है ये वाली फॉल सीलिंग, बहुत सारी पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। और ये है वॉल्स के लिए, रुकना जरा, वॉल्स गोल्डन वाली अच्छी है लेकिन कितनी है वॉल्स, ये भी तो देखना बनता है, ये तो ठीक है ये फॉल सीलिंग है। उसके बाद ये फर्श है, ये भी फर्श वगैरह है, ये भी फर्श वगैरह, उठाओ अंदर देख के आते हैं। और एक जना कर क्या रहा है, 2 जने यहाँ काम पे लगाए थे, पता नहीं एक ही क्यों कर रहा है यहाँ काम, ये उठाओ ठीक है, ये उठाओ, और कुछ नहीं उठाना है, टाइलें और नहीं है क्या, ये 2 ही टाइलें कैसे हैं, ये भी फॉल सीलिंग वाली टाइलें हैं सारी, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो इसको, उठाओ इसको लगाओ पूरे पे, ठीक है उसके बाद यहाँ से लगाओ इसको, लगाओ पूरे पे। चलो भाई छत पूरी हो गई है इसकी, अब ये क्या है, ये है इसके कमरे की, ठीक है वॉल्स, चलो ये एक साइड हो गई पूरी, ये दूसरी साइड पूरी हो नहीं पाएगी, 4 ही टाइल है, ठीक है ये मंगानी है मेरे को, क्योंकि कलर तो यही करने वाला हूँ दोनों बेडरूम का, क्योंकि बेड वो उसी कलर के है ना, थोड़े अच्छे से लगते हैं। भाई तेरे को क्या चाहिए था, 1 बेड 1, हाँ यही नहीं, होल्ड ऑन बड़ी होल्ड ऑन, अभी जो है सामान आ जाए बस थोड़ा सा। डिलीवरी में चलो, नहीं डिलीवरी, हाँ अरे यार 2,000 है भी तो नहीं मेरे पास, शिट हो गई है, मैंने जो ऐड करके रखा आइटम वो भी तो मंगाना है, तो जोर से शिट कर दी मैंने, अब क्या करें भाई। पर्स ये मैं लगाने नहीं वाला इस बार, पर्स भी अलग ऐड मंगाऊंगा, रुक जा, पर्स ये है यार, अब इन लोगों को उठाना ही पड़ेगा, ये कितनी देर में मानेंगे लोग, भाई इसको भेजूं क्या, लास्ट के सेकंड पे भेजूंगा इसको बिल्कुल। और 3 जने और आ गए यहाँ, ठीक है आते रहो, बढ़िया बढ़िया, इसको मैं भेज देता हूँ, सॉरी नो रूम अवेलेबल, ठीक है नेक्स्ट आदमी आ गया, इसको बताओ क्या चाहिए तेरे को, हाँ तू होल्ड ऑन यहीं खड़ा रहे, सब जने जिससे कि वेट करते रहेंगे तेरे पीछे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ भाई ऑफिस में तो लोग हैं ही, यहाँ पे सामान नहीं है, फ्यूल टैंक पे 2 जने आ चुके हैं, आ रहे हैं 2 जने आ रहे हैं, ला भाई पैसे दे दे, थोड़े बहुत पैसे तो इकट्ठे करूँ, क्योंकि 2,400 रुपए करने हैं, पता नहीं कब तक ही कस्टमर्स को टालता रहूंगा मैं। अपनी शॉप भी बंद पड़ी है, शॉप की रेटिंग्स भी गिरे जा रही है, मेरे पास आ गए इस टाइम 600
₹500 एड्स वालों से ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत ₹500 एड्स वालों से आ गए हैं, ₹1000 टोटल हो गए हैं, डिलीवरी में चलते हैं। और क्यों ना मैं मंगा ही लूं भाई, बिल्ड पीसेस मंगा लूं, ये सब उठा दूंगा यहाँ से। वॉल्स के लिए चाहिए, वॉल्स के लिए मुझे चाहिए ये वाला, यही मंगाया था ना मैंने, हाँ यही चीज मंगाई थी, ठीक है ये मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, 2 पैकेट या 3 पैकेट बस, ₹40 के एड कर लिए मैंने, ठीक है। बाकी कुरकुरे चिप्स मैं उठाने वाला हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये सारे आइटम मैं बाद में मंगाऊंगा, पहले रूम रेडी करते हैं, रूम्स के लिए बहुत सारे जने बैठे हुए हैं। हाँ ये भी जरूरी था, बट ये पैसा बहुत ले रहे हैं। बिल्ड पीसेस में चलते हैं, फ्लोर तो हो गया है, फ्लोर हाँ ओके, फ्लोर नहीं हुआ है, फ्लोर चाहिए भाई। ये वाला कैसा लग रहा है बताओ, ये वाला फ्लोर बना है, मतलब ये वाला फ्लोर रखें या फिर ये वाला ब्लैक, यार अब ये दोनों ही मेरे को ना कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है ऐसे। ये अच्छा लग रहा है क्या यार, इससे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है या फिर इससे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, बताओ कोई बात कर दी ना कंफ्यूजन इन लोगों ने, कौन सा ऐड करूं। एक रूम में ये लगा के देखते हैं भाई, अगले रूम के लिए मंगाएंगे, ठीक है ये वाले अगली बार मंगाएंगे। चलो 2 पैकेट ऐड कर लिए, 2 पैकेट में काम नहीं चलेगा, 4 पैकेट ऐड कर लेता हूं, ₹110 के ये हो गए सामान। अब चलते हैं सीलिंग में, सीलिंग मैंने लगा दिए पूरे पे, वॉल्स का मैंने आइटम मंगा लिया है, और एक वॉल करने वाला हूँ ये कलर की, 2 पैकेट ये ऐड करो, और बाहर के ये भी तो मंगाए थे भाई, ये आ गए होंगे। चलो पेंट वगैरह चाहिए नहीं, और क्या चाहिए ये बताओ, बेड वगैरह सब है, टॉवल्स वगैरह होंगी, ठीक है हाँ बाकी सब तो हो गई भाई, सीलिंग्स वगैरह भी होंगी, देख लेता हूँ मेरे इसके अंदर क्या क्या आ गया। सीलिंग लैंप्स आ गई है, चलो ये 2 लैंप्स आ गई है, इसको एक को तो लगाओ यहाँ, ठीक है सीलिंग लैंप्स एक को लगाओ यहाँ, और इनकी लाइटिंग देखते हैं कितनी तेज है। ओके भाई पूरा कमरा चमका दिया, ये थोड़ा सा पास में लगा हुआ है, इसको लगाते हैं यहाँ, और अब बंद करके चलाओ, एंड सही है भाई एकदम परफेक्ट लोकेशन पे। उसके बाद मेरे पास बेडशीट पड़ी है, ठीक है 2 ब्लैंकेट्स 2 पड़े हैं, पिलोज ये मंगाए थे, ठीक है डोर मंगाया था मैंने एक ही, अब यार वो लोगों ने उतारा भी तो नहीं होगा सामान, उनका सामान भी तो उतरवाऊ मैं। इसके 10 सेकंड बचे हैं, इसको मैं भगा देता हूँ, ठीक है चल भाई नो रूम अवेलेबल। और यहाँ पे लोग भाग आते ही जा रहे हैं, यहाँ पे लोग भाग आते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सारा आइटम दो एक एक करके ना अंदर फेंक दूंगा मैं, तब अंदर भरो मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, खाली करो, सवाड़े की तरह भर दूंगा पूरे इस वेयर हाउस। फ्रिज है देखना, फ्रिज देखना किस तरीके से पटका है, शिट हो जाएगी अभी, कुछ टूट टूटा गया तो, अरे नहीं चलो इसको दो, इसको यहाँ डालो, ठीक है लाओ ये आइटम, सारा आइटम दे दो। आवाज काई की आ रही है, ओए ऊपर कैसे फंसा हुआ है, अरे वेयर हाउस है कि कबाड़ा भाई, जाओ इसको मैं रख दूं कहीं ना कहीं, यहाँ रख दो, इससे दिक्कत आ रही है क्या, अरे शिट हो गई वेयर हाउस बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। चलो इसको उतारो, इसको उतारो, इसको 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 इसको, और नहीं ये सामान तो फेंकने लायक नहीं है, ये काम आएगा, ये दो हाँ ये दोनों चीजें ये उठाओ 13 से ज्यादा तेज तो मैंने खाली कर दिया सामान, देखा ये दोनों लेके चलते हैं भाई। अब बताओ कौन सा पेंट करा जाए, ठीक है ये बाहर का है पेंट, एक पे ये लगाता हूँ, कितनी है 100 टाइल है ना, एक पे तो लग जानी चाहिए, बताओ ये बढ़िया लग रहा है ना, ये वाला बढ़िया लग रहा है कि ये बढ़िया लगेगा, अभी देखना इसको लगाते हैं पूरे पे, ये बढ़िया लग रहा है। अब बताओ दोनों अलग अलग भाई, ये व्हाइट ज्यादा प्यारा लग रहा है, नाइस, ये मजा नहीं आया यार, ये मजा नहीं, व्हाइट लग रहा है ये चीज, इसपे भी कर सकता हूँ ना, ओके हाँ मैं कर सकता हूँ ठीक है, मैं अपनी वाली पे भी कर सकता हूँ, और इन पे तो करना है ही मेरे को, नाइस। चलो अब तू लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, 2 बेडरूम चाहिए, वेट अ मिनट भाई ये तो देखा ही नहीं, इसको डबल बेडरूम चाहिए था, इसी को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। चलो हाँ ये तेरे को क्या चाहिए, 1 बेडरूम, हाँ तू यहाँ तू खड़ी रहे, तेरे 3 मिनट में मैं सब काम कर दूंगा। चलो भाई ये टाइल मंगाने वाला हूँ अब की बार में, एक इसको ऐसी पेंट रहने देते हैं अभी के लिए, और ये क्या हो गया, अरे हाफ हाफ क्यों हुआ है, तू हाफ हाफ नहीं होने का, ये भी हाफ हाफ हुआ है, ये तो फुल हो गया एक बार, इसको भी पेंट कर दूंगा, और ये एक और लाइन हो जाएगी, एक और लाइन कर दो। चलो डन भाई, अपना मॉडल ऐसा दिखने वाला है उधर वाला, ठीक है ये टाइल ज्यादा पसंद आई नहीं, ओल्ड टाइप लग रहा है, थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, अभी सारा सामान जम गया ना, अब बताओ। और पता है भाई ये फ्रिज वगैरह किस लिए है, पता है अपने जब और रूम्स खुलेंगे ना तब वो बड़े रूम हो जाएंगे, अभी जो रूम्स ओपन हो रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तू जा पहले यहाँ से फिर समझाऊंगा तुम लोगों को। अभी गाइस मैं कह रहा था ये जो रूम्स खुल रहे हैं ना ये छोटे छोटे हैं 5 तक 6 तक, अब जो खुलेंगे ना 6 7 8 9 ये बड़े बड़े रूम खुलने वाले हैं, और वो मैंने बस देखा है, पता नहीं अब कब खुलेंगे, कितने अपग्रेड्स के बाद खुलेंगे बड़े रूम, उसके अंदर अपन फ्रिजर्स वगैरह रख सकते हैं, अभी के लिए मंगा लिए, मेरे को लगा था इसमें रख दूंगा प्रॉफिट कमा लूंगा, बट मुझे लगता नहीं है ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, फालतू में रूम भी गंदा लगेगा। बाकी यहाँ पे इतने सारे कस्टमर्स आ रखे हैं जिनको मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, अरे शिट हो जाएगी, एक ही आ रखा है डबल बेडरूम के लिए, तो एक ही जना, कोई खाली कर दो ना यार डबल बेडरूम, कितनी देर बची, रुकना जरा कितनी देर बची, डिलीवरी रूम्स में चलो एक जना, भाई सब ने बहुत बहुत दिन के लिए ले रखे हैं, या तो थर्ड रूम ही रेडी कर लूं, यही हो सकता है बस। पेंट्स वगैरह मंगा रखे हैं, मैं इनको जो है डिलीवरी करवा देता हूँ, थोड़ी सी फास्ट डिलीवरी हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन 170 ले रहा तू, साढ़े लो ही कर दे, 6 मिनट में आ जाएगा ना, तो एक इसके 1 मिनट लगेंगे, कौन सी चीज, वन बेडरूम चाहिए ना, होल्ड ऑन कर बस 1 मिनट में उठ के आया मैं। ओके चलो एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, पता नहीं कौन सा एम्प्लॉय स्टॉप करा है वर्क, तू जा सकती है, नो रूम अवेलेबल, ठीक है मैनेजमेंट में चलते हैं, स्टाफ में चलते हैं, कौन सा काम करना बंद किया, ओके वेयर हाउस पे लगी हुई है, क्यों भाई क्या कर रही है, वेयर हाउस पे रेस्टिंग पे जा, ठीक है इसको करो गैस स्टेशन पे, और इसको करो पहले तो पे, अब करो गैस स्टेशन पे खड़ा है, और इसको क्या चाहिए, 1 बेडरूम चाहिए ना, तू यहीं खड़ा रहे, मैं 3 मिनट सो के आता, ऑफिस में 9 कस्टमर्स हैं देख रहे हो, बट ये मैंने एक बस ट्रिक्स निकाल ली है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, चल भाई तू जा
जा सकता है यहाँ से, 16 सेकंड बचे ना अभी तो। अभी मेरे को जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई? अच्छा ये आ तो गई है, अरे जनरेटर का वो पेट्रोल खत्म हो गया ना, इससे चालू कर देते हैं। और अपनी डिलीवरी आ चुकी है, लेट्स गो। तेरे को कितने बेडरूम चाहिए? 1 बेडरूम चाहिए? यही रहे यही रहे यही रहे, थोड़ा सा सो जाता हूँ जिससे वेयर हाउस पे डिलीवरी पहुंच जाए अपनी, वेयर हाउस पे आगे डिलीवरी। चलो भाई लेट्स गो, फटाफट खाली करो, इस रूम को भी रेडी करने का है मेरे को, जल्दी जल्दी लाओ। अबे कितने सारे बॉक्सेस मंगा लिए मैंने, वो कहा है मेरी गाड़ी निकालने, तो गाड़ी कहा है? अबे गाड़ी अंदर रखी है यार, तो दे इधर दे। अबे जा भी नहीं सकता, ओ उड़ के जा सकता हूँ, उड़ के जा सकता हूँ। चलो ये सारा सामान जो है वापस से अंदर रखने का है, जो गाइस मैंने रख दिया है इसको भी रख दिया है मैंने, ठीक है। हाँ लाओ भाई, अरे ये भी तो रखना है अभी, चलो ये भी रख दिया। अभी उठाने लगता हूँ मैं सारे सामान, ठीक है, और इनको एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ, ठीक है। लाओ अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ तो यहाँ इसको रखो यहाँ पे। चल भाई तू जा सकता है, ठीक है, फिनिश डिलीवरी। और अभी कस्टमर बैठा है एक तो ऑफिस पे और एक फ्यूल पे, ठीक है। फ्यूल वाला तो काम हो ही रहा होगा, फ्यूल वाला काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या करने गई भी औरत, क्या करने गई ये फ्यूल वाली? क्यों रुकियो, तेरे को मैं जो है मना कर देता हूँ, सॉरी नो रूम अवेलेबल। और यहाँ पे क्या कर रही है, फ्यूल पे क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, दो दो का टाइमिंग चलता है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, काम तो कर रही है। नेक्स्ट जना आ गया भाई, हेलो सर, वेट अ मिनट, तुम होल्ड करो, होल्ड करो, तुम्हें भगाना है वैसे भी, होल्ड। चलो अबे, अरे तूने ये कहाँ उठा लिया पागल, तू यहाँ रख, चल तो आगे लेके चल, आगे वाला कमरा सजने वाला, ये है कमरा अपना आलीशान, समझ रहा है तू? ये क्या है, ये ऊपर का छत है, छत है, छत नहीं है, वॉल है पागल। इसको करो पूरे को, वॉल को यहाँ तक कम्प्लीट, उसके बाद ये वॉल कम्प्लीट होगी और ये पूरी नहीं हो पाई है, तो और ले लो, और पड़ा अपने पास, ये वहां तक कम्प्लीट करो, ठीक है। एक वॉल अलग होने वाली है इसके अंदर, डार्क वाली, ये अंदर करके आते हैं, अंदर थोड़ा इस बार लाइट ही रखेंगे। ये लो ये लाइट करो, ये लाइट करो, और ले क्या और होंगे, ये है ना भाई, खूब सारा मंगाया इस बार काम। इसको पूरे को यहाँ तक करो, इसको ऊपर तक, इसको, अरे खत्म हो गया, अरे इतने सारे मंगाए हैं क्यों खत्म हो जा रहे हैं? एक डब्बे में फेंका करो सारे, मतलब एक डब्बे में भेजा करो, फेंका करो, क्या क्या बोलता रहा। चलो भाई सब में लग गए, इस वॉल पे नहीं लगाना है, इस वॉल पे नहीं लगाना है, ई टू कैंसिल, चलो इस पे लगाओ। ये हो गया भाई अपना कमरा रेडी, और यहाँ पे अच्छे लाइट्स की वजह से हो रहा है। ये कैसी लाइट आ रही है? अच्छा खिड़की में से आ रही है क्या? रुक जा अभी मैं वो लगा दूंगा ना पर्दे, फिर नहीं होगा। ये अपना फर्श भाई, ये फर्श लगाना है अपने को, देखो कैसा लगेगा अभी बताना तुम लोग, इस साइड बताओ। ओके ठीक ठाक लग रहा है, बट इस पे भी यार वही वाला पेंट करूं तो ज्यादा बढ़िया, ये डार्क वाला पेंट मुझे लगता नहीं सही लगेगा। दो तीन लाइन करके देखता हूं। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको रखते हैं यहाँ पे, कोई डार्क कमरा बनाएंगे ना तब लगाएंगे ये। ये भी मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार पूरे को लाइट रखते हैं कमरे को, मस्त लगेगा। चलो लेट्स गो, ये कमरा एकदम मस्त लाइट लाइट सा हो गया, चमक रहा है लाइट। और ये फर्श उठाओ, इस फर्श को लगाने का है यहाँ पे, और यही फर्श अपना लगने वाला है अंदर की साइड, ठीक है। खत्म हो गया, थोड़ा सा और दो, इसको रखो यहाँ और इसको लगाओ यहाँ, एक यहाँ लगेगा। चलो भाई डन है, अभी अपने कमरे में पूरा पेंट हो गया, सब हो गया है। अभी मेरे को चीजें मंगानी अलग अलग, और ये देना मेरे को, ये दे इधर दे इधर दे, कैसे लगेगी यहाँ? सही लग रही है यार, क्या सही लग रही है, देखना थोड़ा बड़ा नहीं कर सकता इसको, ऊपर होती तो मजा आ जाता। हीटर वगैरह भी है, ठीक है देखता हूँ। उससे पहले ऑफिस में एक जना है जिसका टाइम खत्म हो गया, तू जा सकता भाई। ओके थैंक यू, पहुंचा वहाँ लगा लूं थोड़ा सा मैं, तुम लोगों ने जितना यहाँ बैठ बैठ के कचरा फैलाया है। कल इनको इतनी इतनी देर तो मैं रेस्ट ही करा देता हूँ, मस्त एकदम बढ़िया रेस्ट करते हैं। हाँ तू बैठी रही, यहीं बैठी रहे, होल्ड ऑन, तेरा कमरा खाली हो जाएगा जब तक, दिक्कत नहीं है। लो फ्यूल रिजर्व, ओके डिलीवरी में चलो, फ्यूल में चलो, इसे करो ऑर्डर। और अरे नॉट इनफ मनी, 500 का कर दे तो यार, ऐसी क्या बात करता है, पैसा मेरे जीवन काल में हमने बहुत कमाया, समझे तुम, समझे तुम। हेलो दीदी, दीदी कहाँ से आ रही हो? चलो भाई ये कमरा बस रेडी होने वाला है थोड़ी देर और, इसमें सामान अरे कैसा घिच पिच करके भर रखा है, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। पैसा उठा लेता हूं यहां से मैं। फ्यूल पे कोई आ क्यों नहीं रखा? और फ्यूल पे कोई लगा भी नहीं, अच्छा ये लगी हुई है लेकिन फ्यूल पे कोई आ नहीं रहा। लो फ्यूल रिजर्व हो गया ना, ठीक है मैं फ्यूल बंद कर देता हूँ, मतलब उसे स्टाफ को हटा देता हूँ भाई, फ्यूल से मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, और इसे हटाओ, रेस्टिंग पे डालो भाई। चलो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, ये वाला रूम अपन अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, और अगले एपिसोड में इसको प्रॉपर बढ़िया सा बना देंगे। तो अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।